Hi students, very good morning to everyone. Good morning Ankita, good morning Saurabh. Guys, please confirm, am I properly audible, visible to all? Very good morning to everyone. चलो एक बार please confirm कर दो, सबको आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है? Everyone. Good morning सुशील. तो yes, अगर यहाँ पे कोई IIT जाम का एस्पिरेंट है, बताएगा एग्जाम कैसे गया है? Anyone here who has given the yesterday's IIT JAM exam? तो जो रिव्यू मुझे मिले हैं स्टूडेंट्स से, वो तो बोल रहे हैं कि पेपर काफी इजी था. NET क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे, बट सेक्शन ए सेक्शन बी वाज क्वाइट डूएबल, वाज क्वाइट इजी. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आप में से किसने दिया है? अगर आप में से किसने दिया है एग्जाम, सो प्लीज डू टेल मी. वेरी गुड मॉर्निंग स्नेहा. नो, ओके ओके फाइन. तो यस, इफ यू आर टारगेटिंग CUET, डेफिनेटली CUET में बहुत सारे सीट्स है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी. तो IIT जाम की तो एग्जाम हमारी हो चुकी है, GATB का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, CUET के एग्जाम का भी स्केड्यूल आ चुका है हमारे पास में. तो अभी हम लोग बढ़िया से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे हमारे CUET की, जो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है. एंड एज वी ऑल नो कि इस बार से CUET में आपके लिए पेपर वन नहीं रखा हुआ है, तो आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सोचने समझने की जरूरत नहीं है. आप लोग अपना सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड डेफिनेटली विल बी फाइन फॉर योर एग्जाम. ओके, गुड मॉर्निंग अनुष्का. तो यस, इफ एनी वन हैज गिवन द एग्जाम, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ वॉज द लेवल ऑफ द एग्जाम? जो मैंने सुना है पेपर काफी ईजी था, और नैट पार्ट वॉज डिफिकल्ट, बट येस अदर पार्ट वॉज क्वाइट ईजी. आप लोगों के क्या आप लोगों की क्या राय है? इजी टू मॉडरेट? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ठीक है, सो यस, अगर आपने सही से प्रिपेयर किया था तो मेरे को लगता नहीं कि आप लोगों को ज्यादा डिफिकल्टी गई होगी एग्जाम सॉल्व करने में. जो क्वेश्चंस मैंने कुछ कुछ सुने हैं, कुछ क्वेश्चंस मुझ तक पहुंच पाए हैं, वो तो क्वेश्चंस मुझे काफी ईजी लगे. हाँ यस, नैट को लेके काफी बच्चों ने मुझे बोला है. सुशील, पक्का पक्का CUET की स्ट्रेटेजी डेफिनेटली करेंगे हम. गुड मॉर्निंग प्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग दिया. तो चले आज का पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करें. आज हम लोग पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ऑल दी 75 क्वेश्चन जो पिछले साल लाइफ साइंस के एग्जाम में पूछा गया था. एक बार हम क्विक एनालिसिस करते हैं कि ये पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टाइप के क्वेश्चन का क्या रेशियो रहा था, और क्या आप लोगों को नेक्स्ट CUET में आपको टारगेट करना चाहिए, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे. गुड मॉर्निंग शालिनी. देखो सेशन हमारा थोड़ा बड़ा हो सकता है, बिकॉज 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमको. सेशन माइट बी अ बिट लेंदी, बट यस आप लोगों को जुड़े रहना है. और प्लीज एक बार लिंक को शेयर कर दो, ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स जो अगेन CUET टारगेट कर रहे हैं वो इसको देख सके. लाइफ साइंस पेपर में आपका सिलेबस मिक्स होता है, आपको वेराइटी ऑफ टॉपिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट स्टार्ट विद दिस सेशन. पहला सवाल आप सबके लिए पूछा गया था, फूड बॉर्न बैक्टीरिया दैट कॉज अक्यूट बैक्टीरियल वॉमिटिंग एंड डायरिया. जस्ट जस्ट मोमेंट, आंसर दीजिए. हेलो साक्षी, क्या होगा इसका आंसर बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? Some people are saying one, some are saying four. Okay, Sneha, बिल्कुल करेंगे सेशन लाइक वी हैड प्रोमिस्ड. एक बार हमारा IIT जाम हो जाए, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम के बिल्कुल पीछे पड़ जाएंगे. क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स है आप लोगों को, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे. तो पूछा गया है, फूड बॉर्न बैक्टीरिया दैट कॉज अक्यूट बैक्टीरियल वॉमिटिंग एंड डायरिया, है ना? अब आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया अगर है, अगर आप लोगों को थोड़ा
बहुत माइक्रोबायोलॉजी भी आती है, तो वहां पे हम लोगों को काफी कुछ यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए। सालमोनेला क्या कॉज करता है? अगर हम बात करते हैं सालमोनेला की, तो सालमोनेला तो भाई एक स्पीशीज है। वी हैव सालमोनेला टाइफी, सालमोनेला पैराटाइफी ए, सालमोनेला पैराटाइफी बी। ये क्या कॉज करता है? दिस कॉजेस टाइफॉइड। क्या बता सकते हो टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? विच डायग्नोस्टिक टूल वी यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ टाइफॉइड? कैन यू गाइज टेल मी? ये एरोजिनोसा है, दिस इज सुडोमोनास एरोजिनोसा। अब सुडोमोनास एरोजिनोसा जो है ये अगेन कॉज करता है बच्चों स्किन इन्फेक्शन। अगर आपने सुना होगा तो स्टफालोकोकस है, सुडोमोनास है, ये सारे कॉज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्किन इन्फेक्शन। तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है? तो टाइफॉइड एंड स्किन इन्फेक्शन दे आर नॉट कनेक्टेड विद दी वॉमिटिंग एंड डायरिया। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, स्किन इन्फेक्शन की बात अगर मैं करूं तो पहली बात तो स्किन इन्फेक्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता है। अगर हम बात करते हैं टाइफॉइड भी, ठीक है, टाइफॉइड के सिम्टम्स में हम देखेंगे थोड़ी देर में। अगर हम बात करते हैं क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी की, तो ये क्या कॉज करता है? ये तो भाई कॉज करता है टिटानस। क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी को याद रखना, इट इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ये ऐसे पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है। अगर कोई रस्ट है, मेटल है, आयरन ऑब्जेक्ट है, तो भाई उसके थ्रू ये चीजें आ सकती है, ठीक है? सो आई आंसर कैन नॉट बी डेफिनेटली सी, कैन नॉट बी डेफिनेटली डी। तो बचता है हमारा ई ए एंड बी। शिगेला तो भाई डायरेक्टली है, शिगेला डिसेंट्री, आपको पता होगा बैक्टीरिया होता है शिगेला डिसेंट्री। एरसीनिया ये भी कॉज कर सकता है, साल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड, ओके, रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन अगेन प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो व्हेन वी हैव क्वेश्चंस लाइक दिस जस्ट ट्राई टू थिंक कि वो पाथोजन एग्जैक्टली हमारे किस ऑर्गन को डैमेज कर रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, न्यूरॉन्स, किसको अफेक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे समझना चाहिए, ठीक है? एंड यस एवरीवन गेव मी द करेक्ट आंसर बच्चों। टाइफॉइड के डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं? तो हम विडाल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एक होता है विडाल स्लाइड टेस्ट, एक होता है विडाल ट्यूब टेस्ट। विडाल स्लाइड टेस्ट इज अ क्वालिटेटिव टेस्ट, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। विडाल ट्यूब टेस्ट इज अ क्वांटिटेटिव टेस्ट, जहां पे हम लोग टाइटर वैल्यू देखते हैं कि भाई अगर पर्सन के बॉडी में एंटीबॉडीज है तो कितना एंटीबॉडीज बना है, वो लेवल भी चेक की जाती है। ओके गुड मॉर्निंग शिवानी। चलो अगला सवाल। अच्छा हाँ रजस, क्या हुआ, क्या मिस्टेक की? मैं आप लोगों को वही पूछ रही हूँ जिन बच्चों ने कल आई टी जाम की एग्जाम दी है, हाउ वॉज दी पेपर? जो मुझे रिव्यूज मिले हैं, पेपर वॉज क्वाइट ईजी। एनएटी क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी टफ थे, बाकी पार्ट ए पार्ट बी वॉज क्वाइट ईजी बताया जा रहा है। टाइफॉइड, टाइफॉइड में क्या होता है? इंटेस्टाइन रिलेटेड इन्फेक्शन होते हैं ना आपके। वॉज ग्रेट शिवानी बोल रही है, नैट इजी था। देखो जो मेरे पास रिव्यू आए हैं, नैट वाज क्वाइट बिट ट्रिकी, बट यस आपके एमसीक्यूज एमएसक्यूज काफी इजी थे ऐसा मैंने सुना, थोड़ा टफ था। चलिए तो क्या बोला गया है? द रेडिएशन सोर्स, पीपल आर सेइंग ऑप्शन नंबर टू, द रेडिएशन सोर्स इन द टेम। टेम का मतलब होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। क्या होता है? अरे ये तो बहुत ईजी है। ये क्या होता है? ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन बीम। ओके वी यूज द इलेक्ट्रॉन बीम। दो टाइप के होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एक होता है टेम और एक दूसरा होता है सेम, ठीक है? दोनों को हम यूज करते हैं टू विजुअलाइज वेरी 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 फाइन ऑब्जेक्ट्स। आप बहुत फाइन चीजें भी यहाँ से देख सकते हो। और उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि किस चीज में हम लोग इंटरनल स्टडी भी कर सकते हैं, कहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक्सटीरियर पार्ट स्टडी करने को मिल सकता है। तो टेक्निक से भी कल क्वेश्चन पूछा गया था, टेक्निक से सवाल पूछा गया था आप लोगों को, विच टेक्निक्स विल बी यूज टू डिटरमाइन दी 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ऐसा कुछ सवाल था जो मेरे तक आया है। चलो ये बताओ, चूज दी करेक्ट आंसर्स फ्रॉम दी लिस्ट। मैच करना है आपको, मैच करना है आपको कि किस एंटीबायोटिक को हम लोगों ने कहां से आइसोलेट किया है। थ्री
पीपल आर सिंग ऑप्शन नंबर 3। तो आई थिंक सबसे बड़ा हिंट आपके लिए ये है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, हमको पता होता है कि इसको स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस से लिया गया है ना, इसको लिया क्या वहां से गया है, एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ अगर हम बात करते हैं तो यस इट इज टेकन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, तो यहां से मेरे काफी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो सकते हैं। एंड वैंकोमाइसिन इज टेकन फ्रॉम अगेन स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज, तो यस इंडीड ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ कल यहाँ से भी तो क्वेश्चन पूछा था है ना, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन पूछा गया था आपको। बाकियों का एग्जाम कैसे गया था, आया था क्वेश्चन कल यहां से, चलो बताओ। यहां पे आपको सिर्फ पूछा गया है करेक्ट एंड इनकरेक्ट, कभी कभी आपको आता है असर्शन एंड रीजन, जहां पे आप लोगों को क्वेश्चन और स्टेटमेंट का आपको रीजन बताना होता है, यहाँ पे आपको रीजन नहीं बताना है। बट यस यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, तो दे हैव आस्क्ड यू सिंपली दी स्टेटमेंट हियर एंड ट्रू है या फॉल्स है। वन ठीक है बिल्कुल सही बात है। फाइटो हार्मोन का मतलब होता है फाइटो इज प्लांट, हार्मोन वी ऑल नो रेगुलेशंस करवाने वाले हैं बहुत सारे, तो फाइटो हार्मोन जो इथिलीन है ये क्या करता है, इट प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सेशन ऑफ द प्लांट ऑर्गन, ये कनेक्टेड होते हैं बच्चों आपके प्लांट के एजिंग से, लीफ फॉलिंग वगैरह से कनेक्टेड होते हैं, तो यस यहाँ पे इथिलीन रिस्पॉन्सिबल होता है, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है द मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज सोर्स ऑफ इथिलीन इज एथिफोन, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो एब्सोल्यूटली करेक्ट। ठीक है तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। अगला सवाल ट्राई करो, ट्राई दिस वन। गैटबी का एग्जाम तो आपके लिए आ चुका है ना, डेट अप्रैल में है ना, आई थिंक 20 अप्रैल को एग्जाम, डेट तो आ चुकी है, और कौन सा स्केड्यूल। ओके यस शिवानी आपको राइपनिंग हार्मोन पूछा गया था। बच्चों सेशन को लाइक भी करते चलो, लाइक कर दो शेयर कर दो एक बार, जब सारे मिलके सॉल्व करेंगे तो और मजा आएगी। लेट्स सी, देखो जिन लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया है गुड जॉब, और जिन लोगों का पेपर उनको लगता है कि यार थोड़ा सा एक हाथ गलती कर दी हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है, सीयूईटी है गैट भी है, सो प्रिपरेशन को जारी रखो, रिवीजन को करते रहो और नेक्स्ट एग्जाम्स को टारगेट करो। गुड मॉर्निंग पल्लवी। टू पीपल आर सेइंग टू, क्या बोला गया है देखो, इफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ अ सेगमेंट ऑफ जीन हैज अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, आपको दिया गया है टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ अ जीन दैट इज जी सी टी ए ए जी एंड ये है 5' एंड, पूछा गया है व्हाट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विल बी प्रेजेंट इन द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट स्पेसिफाइड बाय दिस जीन, तो क्या आएगा, जी के सामने आएगा सी जी, देन यहाँ पे आ जाएगा आपका ए यू यू सी जी, और हमको पता है कि आरएनए का जो सिंथेसिस है वो किस मैनर में होता है, वो होता है बच्चों एंटी पैरेलल, तो ये 3' एंड है तो यहाँ पे 5' आ जाएगा, 5' का मतलब यहाँ पे आपका 3' एंड आ जाएगा। ढूंढो ऐसा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, आई थिंक ऑल ऑफ यू गेव मी द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलो इसको ट्राई करो, कल कोई क्वेश्चन आपका इम्यूनोग्लोबुलिन से भी आया था, आई डोंट नो द एग्जैक्ट क्वेश्चन बट यस इम्यूनोग्लोबुलिन से कुछ तो क्वेश्चन आया था। आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डेंड्राइटिक सेल्स फ्रॉम हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स इन बोन मैरो, आपको बताना है प्लासेंटा, अरे ये क्वेश्चन था प्लासेंटा को कौन क्रॉस करता है, माय गॉड, तो ये तो कोई गलत कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता, हमने इतनी बार इसको पढ़ा है, चाहे वो एमपीक्यू सीरीज हो चाहे पीवाईक्यू सीरीज हो चाहे रिवीजन हो, आईजीजी इस पे शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स भी अवेलेबल थे, गुड जॉब। Identify the appropriate sequence for the production of dendritic cells from hematopoietic stem cells in bone marrow. Yes, Shreya, IgG. देखो दो ही antibodies है जो mother to child या mother to fetus जा सकते हैं, mother to fetus, fetus is unborn child, IgG जाता है via placenta
और मदर टू चाइल्ड भी जा सकता है आईजीए एंटीबॉडी जो कोलोस्ट्रम मतलब कि ब्रेस्ट मिल्क में होता है, बट दैट इज फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, मदर टू फीटस, मदर टू चाइल्ड, ये दो अलग अलग टर्म्स याद रखना। थ्री बता रहे हैं बच्चे, पीपल आर सेइंग थ्री, क्या होगा भाई? आपको क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डेंड्राइटिक सेल्स ना। तो पहले हमारे पास में होता है हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स, उसके बाद में हमारे दो लीनिएज बनते हैं, एक आता है लिम्फोइड लीनिएज और दूसरा आता है माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल। वी हैव लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल, वी ऑल्सो हैव दी माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल, उसके बाद में तो चीजें बनती है। तो मेरा सीक्वेंस कहां से स्टार्ट होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड हैव दिस हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स, उसके बाद में हमारा जो डेंड्राइटिक सेल है वो दोनों लीनिएज से बन सकता है, दोनों जगह से बन सकता है। सो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट विल बी हैपनिंग हियर? आइदर माइलॉइड लीनिएज और देयर विल बी लिम्फोइड लीनिएज। तो देख लो यहाँ पे क्या माइलॉइड दिया है, मतलब ये मेरा टू आना चाहिए। सो माई आंसर शुड स्टार्ट विथ सी एंड ए, एंड आई थिंक आई हैव गॉट द आंसर, आई थिंक आई हैव गॉट द आंसर। ठीक है चलो, उसके बाद में फिर तो आपको पता ही है, उसके बाद में मोनोब्लास्ट बनेंगे, फिर आपके मोनोसाइट्स आएंगे पहले, देन द डेंड्राइटिक सेल्स हमारे लास्ट में बनेंगे। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सोचना था इस क्वेश्चन में, सीयूईटी आपके साथ में सारे क्वेश्चन आपको सिंपल नहीं देता है, आपको सोच के आंसर करना था। तो दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, चल इसको ट्राई करो। यही तो होता है ना रिजल्ट, बच्चों को विश्वास ही नहीं होता है, इसलिए जब हम सेशंस में करवाते हैं आपको पता है मैम इतना इजी क्यों पढ़ा रहे हो, ये सच में पूछेंगे, देखो यहीं से पूछते हैं और फिर बच्चे गड़बड़ करके आते हैं। व्हाट हैपेंड आकाश? यस तनु, लिम्फोइड में चार टाइप के सेल्स बनते हैं, एक बनता है एनके सेल, टी सेल, बी सेल एंड डेंड्राइटिक सेल। ओके, ये एक तरफ से बनते हैं, बाकी सारे के सारे जो है वो आपके माइलॉइड लीनिएज से बनेंगे। ओके, लेंटिक सिस्टम, लोटिक सिस्टम, पॉन्ड और रिवर। विच मॉलिक्यूल एटीपी डज नॉट डोनेट? भाई एटीपी, एटीपी का मतलब क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसके स्ट्रक्चर में एक बेस होता है, शुगर रहेगा और तीन फॉस्फेट रहेगा। हाँ जी, फॉस्फो ग्रुप दे सकता है, इट कैन गिव पायरोफॉस्फेट, इट कैन गिव इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। फॉस्फोरिल ग्रुप्स अगेन सेम थिंग, एडिनिलिल ग्रुप्स क्यों नहीं दे सकता? एडिनिलिल ग्रुप्स, ओके एडिनिल ग्रुप्स तो दे सकता है ना भाई, वो सिर्फ बेस को भी तो डोनेट कर सकता है। ये क्या बोल रहा है? डी ऑक्सी राइबोक्सिल ग्रुप, कैन इट गिव डी ऑक्सी राइबोक्सिल ग्रुप? कभी आपने सुना है कि फॉस्फेट और बेस बच गया है, सिर्फ शुगर को डोनेट किया गया है? दिस इज ना, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि बेस नहीं दिया है ना ही फॉस्फेट दिया है, सिर्फ शुगर को ट्रांसपोर्ट किया है? ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करे और सिर्फ शुगर को वहां से दे। बॉन्ड हमेशा कौन सा ब्रेक होता है? दिस कैन बी ब्रोकन बाय द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या फिर फॉस्फोनहाइड्रेट बॉन्ड को भी ब्रेक करवाया जा सकता, बट बेस को कभी नहीं, शुगर को कभी नहीं दिया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चलो, इसका आंसर दो, इसका आंसर दो। तनु प्रोबेबली आपको जो भी स्केड्यूल है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, पर चैनल को चेक कर लेना, यू विल गेट दी स्केड्यूल कि कौन कौन से सेशन आप लोगों के लिए प्लान्ड है। ओके, आई एम नॉट दैट मच अवेयर अबाउट इट राइट नाउ, तो मैं कुछ कमिटमेंट नहीं करूंगी, आपको चैनल पे मिल जाएगा। डिफरेंसेस इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एंड सॉरी लेफ्ट एंड राइट हैंडेड सर्क्यूलरली पोलराइज लाइट, सर्क्यूलर तो आपको दिख रहा है, सर्क्यूलर डाइक्रोमिज्म। सो ऑप्शन नंबर थ्री हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो। हाँ ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक्ड विद द बीटा ऑक्सीडेशन, नॉट बी, दिस बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, इनमें से कौन या कौन कौन से पॉइंट्स है जो कनेक्टेड है विद द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स? यस तनु,
कभी कभी गलतियां कर देते हैं ऐसे एग्जाम में, समटाइम्स कर देते हैं ना, कोई दिक्कत। टू ठीक से पढ़ो सवाल को, ठीक से पढ़ो सवाल को। देखो एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स, भाई सही बात है, और ये तो सारे ऑप्शन में दिख भी रहा है ए, तो ए तो हमारा बिल्कुल सही है। ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स इन साइटोप्लाज्म, फैटी एसिड का ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है? दिस बीटा ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, अगर एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, और अगर वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड है इन दैट केस द ब्रेक डाउन विल टेक प्लेस इन परोक्सीजोम, ये दो जगह होती है भाई, तो इन साइटोप्लाज्म तो नहीं होगा, तो बी तो मेरे को नहीं मार्क करना है। सी क्या बोला है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, डेफिनेटली याद है कैट बैठी होती है, एक कैट ट्रांसपोर्टर होता है, वो ट्रांसपोर्टर जो है वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स अप टू 16 कार्बन को एंट्री दे देगा, 16 कार्बन से बड़ा है तो एंट्री नहीं देगा, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड्स इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो इज अ करेक्ट ऑप्शन, तो सी में मेरा ऑप्शन आना चाहिए। डी क्या बोल रहा है? बीटा ऑक्सीडेशन इन क्रेब्स साइकिल, ना बाबा, बीटा ऑक्सीडेशन होता है इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, क्रेब्स साइकिल में बीटा ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है? जब परफॉर्म होता है बीटा ऑक्सीडेशन तो वहां से रिलीज होते हैं खूब सारे एसिटाइल कोएंजाइम ए, एंड दोज एसिटाइल कोएंजाइम ए उनको यूज किया जाता है इन दी टीसीए साइकिल, उससे बनाया जाएगा बच्चों फर्दर बहुत सारा एनएडीएच एज वेल एज एफएडीएच2 और जीटीपी भी बनेगा हमारा, तो वो बात होती है ये मैट्रिक्स में परफॉर्म किया जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है, बट क्रेब्स साइकिल में उसका कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? सब पलट गए, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर थ्री हमारा यहां पे बिल्कुल सही जवाब है। ओके तनु, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बॉटनी वाले सवाल आप योगेश सर के साथ डिस्कस कर। बॉलीवुड एंड टेक्निकल मास्टर, देखो पेपर तो काफी इजी था तो कट ऑफ हम भी थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार। एक बार थोड़ा सा आप लोगों का ये आ जाएगा रिस्पॉन्स शीट आ जाए तो हम चेक करते हैं, बिकॉज मेरे पास में सारे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, मेरे पास में बीटी के कुछ मैंने 5 से 6 क्वेश्चंस ही देखे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का मुझे कोई आइडिया नहीं है अब तक, तो एक बार हमारे पास थोड़े से क्वेश्चंस आ जाएंगे, एक बार हम थोड़ा सा एनालाइज कर लें उसके बाद हम डेफिनेटली बताएंगे। और कट ऑफ की बात मैं करूँ तो कट ऑफ मेरे हिसाब से 35 प्लस ही रहेगा इस बार, तो कट ऑफ 35 के नीचे तो बिल्कुल नहीं जाएगा, एंड आईआईटी जाने के लिए भी अप्रोक्सीमेटली हाँ 65-70 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 5 तक मैं बोल सकती हूँ। गुड मॉर्निंग लोकेश सर, ओके सो क्या होगा इसका आंसर? दिख रहा है आप लोगों को सवाल? सो दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट ग्लूकोज होम्योस्टासिस, भाई बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा है तो क्या होता है, कम है तो क्या होता है, उसके बारे में अच्छी खासी कहानी बना के दी है, या आप लोगों का टाइम लेना चाहती है बेसिकली। सो सीयूईटी में अगर आपको लगता है कि टाइम कम है तो इस क्वेश्चन को आप उस टाइम के लिए स्किप कर सकते हो, इफ यू आर थरो विद द कॉन्सेप्ट रीड इट एंड यू कैन आंसर इट वेरी क्विकली। क्या आएगा बच्चों इसका आंसर? व्हाट विल बी द आंसर हियर? समर सिंह 1, समर सिंह 2, हेलो हर्षिता हाउ वाज द एग्जाम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। एग्जाम कैसे रहा आप लोगों का? आज मेरा एक ही सवाल है सबसे, हाउ वाज द आईआईटी जाम एग्जाम? हाँ जी 1, मेनी ऑफ यू आर गोइंग विथ 1, समर सिंह 2, बढ़िया था, ओके हर्षिता ओके। चल तनु, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। पहला सवाल क्या बोल रहा है? ग्लूकोज होमियोस्टासिस रिलाइज प्रीडोमिनेंटली ऑन दी एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स ऑफ दी हॉर्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन।
एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करना. एंटागोनिस्ट का मतलब होता है कि एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करना. तो ग्लूकोज, व्हाट इज होम्योस्टासिस? होम्योस्टासिस का मतलब होता है रेगुलेशन इन द बॉडी. जितनी जरूरत है उतना ही बॉडी में बनता है. अगर ज्यादा हो गया तो उसको बॉडी कम कर देगी, कम रहा तो बॉडी उसको बढ़ाने की कोशिश करती है. दिस इज कॉल्ड एज होम्योस्टासिस. अगर आपको ठंडी लगती है तो बॉडी क्या करती है? बॉडी हीट प्रोडक्शन करेगी इंटरनली. वो क्या करेगी? ठंड लगेगी तो बॉडी शिवरिंग मैकेनिज्म परफॉर्म करती है, जिससे हमको थोड़ी सी फिर गर्मी हो जाएगी. अगर हमें बहुत ज्यादा गर्मी हो रही तो बॉडी क्या करती है? हमारी वो स्वेट प्रोडक्शन करती है, जिससे एक वाटर लेयर बनेगा तो बॉडी को कूलिंग मिलता है. तो हमारी बॉडी हर चीज को लेके होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म परफॉर्म करती है. कैल्शियम ज्यादा है रिलीज करेंगे कैल्सिट्रोनिन, कैल्शियम कम है रिलीज करेंगे पैराथायरॉइड हार्मोन. तो बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो अलग हार्मोन रिलीज होगा, ब्लड प्रेशर कम है तो अलग हार्मोन रिलीज होगा. तो वैसे ही अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई रहा तो भी कोई प्रॉब्लम होगी. इफ ग्लूकोज लेवल इज हाई तो उस केस में क्या होता है? उस केस में बॉडी रिलीज करती है इंसुलिन, जो प्रोड्यूस करेगी ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन. अगर बॉडी में ग्लूकोज लेवल है कम तो बॉडी क्या करती है? रिलीज करती है ग्लूकागॉन को, जिससे हमारी बॉडी क्या करेगी? ग्लूकागॉन की हेल्प से ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन पाथवे स्टार्ट हो जाएगा एंड बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको एक थोड़े हाई लेवल पे लेके आया जाएगा. सो ये बातें हमको पता है. एंड यस, ग्लूकागॉन और इंसुलिन जो है एक दूसरे के एंटागोनिस्ट, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट में काम करते हैं. जैसे कैल्सिट्रोनिन पैराथायरॉइड एक दूसरे के ऑपोजिट में काम करते हैं, उस तरीके से. सो ए स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, अब हम सेकंड पढ़ते हैं, क्या उसका रीजन ये है कि नहीं. रीजन का मतलब ये होता है बच्चों कि आपका जो भी स्टेटमेंट ए है उसका आपको पहले तो मतलब समझना है और देखना है कि क्या सेकंड स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं, क्या जो रीजन है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है. बहुत बार वो स्टेटमेंट करेक्ट होता है बट वो जस्टिफाई नहीं करता है, बट यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे क्या बोला गया है? व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेस अबव द नॉर्मल रेंज, द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन ट्रिगर एंड द अपटेक ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड इन द बॉडी सेल्स, डिक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन. भाई इसने तो पूरा फंक्शन बता दिया है. सेकेंड क्या बोल रहा है? व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप्स बिलो द नॉर्मल रेंज, द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन प्रमोट्स द रिलीज ऑफ ग्लूकोज इन टू द ब्लड एंड द एनर्जी स्टोर्स सच एज लिवर ग्लाइकोजन, इंक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन. तो आपको लगता है क्या कि रीजन हमारा जस्टिफाई कर रहा है? बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है. रीजन हमको बता रहा है ना कि ग्लूकागॉन क्या करवाता है और इंसुलिन क्या करवाता है, हाउ दे आर वर्किंग एंटागोनिस्ट टू ईच अदर. तो यस स्टूडेंट्स, हमारा जो ए है वो बिल्कुल सही है और आर उसको जस्टिफाई भी कर रहा है, आर उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है. बिकॉज स्टेटमेंट ए में क्या बोला गया है? ग्लूकोज का होम्योस्टासिस होना चाहिए, मतलब ग्लूकोज का हमको मेटाबॉलिज्म समझना चाहिए यहाँ से कि ग्लूकोज हाई ग्लूकोज लेस, और आपको समझना चाहिए यहाँ पे उसका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट. तो यस स्टेटमेंट वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट और जो आर है वो उसको जस्टिफाई भी कर रहा है. सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा दैट ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द Absolutely correct explanation of A. तो जब भी आपको ऐसे questions मिलते हैं, आप सबसे पहले question को पूरा assertion को अच्छे से पढ़ो, समझो और देखो क्या सच में reason उसको explain कर रहा है कि नहीं कर रहा है. कर रहा है, good job, go for the option number one. बट अगर आपको लगता है कि यार second statement सही तो है बट उसका कोई connection नहीं है A के साथ में, तो आप लोगों को फिर वैसे हिसाब से option mark करना है. ठीक है, is this clear to everyone? ठीक है आश्रद्धा, यस दिस इज फॉर सीयूईटी. हाँ बिल्कुल शालिनी, करना पड़ेगा. चलो हेलो रूबी, हाउ आर यू. चलो अगला सवाल ट्राई करो. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव इवॉल्व फ्रॉम व्हाट? फोर एंडोसिम्बायसिस. क्या बोला गया है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दे हैव इवॉल्व फ्रॉम व्हाट? तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो है उनके पास खुद का जीनोम होता है. दे हैव अ क्लोज्ड सर्कुलर जीनोम ऑफ देमसेल्फ, के पास खुद का एक जीनोम होता है जिसको वो कैरी करते हैं. वो खुद का अपना रेप्लिकेशन भी करेंगे,
उनके पास जो उनका खुद का जीनोम रहता है, दे आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। तो कुछ प्रोटीन्स वो खुद के जीन से बनाते हैं, कुछ प्रोटीन्स वो न्यूक्लियर डीएनए से लेते हैं। तो ये कैसे इवॉल्व हुए हैं? क्योंकि हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या था एक टाइम पे, देयर वाज अ बैक्टीरिया बाय द नेम रिकेट्सिया क्रोवेजाकी। क्लोरोप्लास्ट क्या था? तो देयर वाज अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया। तो उनको जब एनगल्फ किया गया, उनके एनगल्फमेंट के बाद में हम बोलते दैट्स व्हाई वी से दैट दीज टू दे आर बेसिकली सम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अगर हम उनके फीचर्स को देखें तो यस, वो जस्टिफाई करते हैं कि एक टाइम था जब इनका एंडोसिम्बायसिस हुआ है, उनको एनगल्फ किया गया, और एनगल्फ करके उनको यूज करते हैं हम लोग फॉर दी एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया को यूज करते हैं ऑल दी एनिमल्स, लाइक हम लोग भी यूज करते हैं, बाकी एनिमल्स यूज करते हैं। क्लोरोप्लास्ट को यूज करते हैं बाय ऑल दी प्लांट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है थायलाकॉइड, उसमें होता है थायलाकॉइड मेम्ब्रेन, जिसमें वो चलाते हैं उनका लाइट लाइट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लाइट रिएक्शन चलाएं। ठीक है, चलो अगला सवाल। ओके, ऐसा कोई नहीं है सौरभ, तुम एक काम करो ना, चैनल का बेल आइकन प्रेस कर दो, तो जब भी लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। तो जो आपको नोटिफिकेशन आपके फ्रेंड्स देते हैं वो आपको डायरेक्ट आएगा। आपको सेशंस हमारे स्केड्यूल दिखते हैं, उसको जाके आपने बेल आइकन हिट कर दिया तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि लेक्चर है स्टार्टेड। बिग डील। ओके हर्षिता, ठीक है, डेफिनेटली 22 का भी करना है। सीयूटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पढ़ाई कर। सीयूटी एग्जाम में देखा जाता है कि यू गेट लॉट्स ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। आपको पीसीएम ग्रुप नहीं पढ़ना है, ये बहुत अच्छी बात है, डोंट यू अग्री? सीयूटी के एग्जाम में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ अपना सब्जेक्ट ही करके जाना है, चाहे बॉटनी हो, जूलॉजी हो, लाइफ साइंस हो, बायो केमिस्ट्री हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है आपको सिर्फ उतना पढ़ के जाना है, डोंट हैव टू स्टडी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। तो बच्चे बता रहे ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, इतने श्योर हो, रीजन नहीं है? चलिए, असर्शन क्या बोला है? कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन इज अ रीजन ऑफ क्रोमोसोम दैट इज ऑलवेज हेटेरोक्रोमैटिक एंड परमानेंटली इनएक्टिव विद रिगार्ड टू ट्रांसक्रिप्शन। भाई सही बात है ना? अगर हम बात करते हैं जीनोम की, तो दो फॉर्म में होते हैं, एक होता है हेटेरोक्रोमैटिन फॉर्म, एक होता है यूक्रोमैटिन फॉर्म। हेटेरोक्रोमैटिन फॉर्म जो होता है उसका ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन जो है ये एक्टिव रहता है। यूक्रोमैटिन फॉर्म का ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन, सॉरी सॉरी सॉरी, यूक्रोमैटिन का एक्टिव रहेगा, आई एम सो सॉरी, एंड हेटेरोक्रोमैटिन का इनएक्टिव रहेगा, इट इज बेसिकली इनएक्टिव, है ना? तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? हेटेरोक्रोमैटिन परमानेंटली इनएक्टिव रहेगा, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या पढ़ रहा है? अब देखो पहले में क्या बोला है, हेटेरोक्रोमैटिन और वो इनएक्टिव। देखो क्या सेकेंड स्टेटमेंट जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस उतना चेक करना है आपको। सेकेंड क्या बोला है? फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन रेफर्स टू अ क्रोमैटिन दैट कैन ओकेजनली इंटर कन्वर्ट बिटवीन दी हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। देखो स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि ये भी सही है, बट दिस इज नॉट एक्सप्लेनिंग ना। अगर वो एक्सप्लेन करता कि वहां पे बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक्सप्लेन किया जाता कि वहां पे कोई प्रोसेस चलती है मिथाइलेशन अल्काइलेशन जिससे वो और ज्यादा कंडेंस फॉर्म में जाता है, तो वो हम लोग फिर मान सकते थे। व्हेन रिक्वायर्ड कन्वर्टेड टू हेटरोक्रोमैटिन, व्हेन नॉट सॉरी व्हेन रिक्वायर्ड कन्वर्टेड टू यूक्रोमैटिन, जब जीन की जरूरत नहीं है कन्वर्टेड टू हेटरोक्रोमैटिन। तो अगर रीजन वैलिड होता तो हम ए को मार्क कर सकते थे, बट आर और ए सही स्टेटमेंट्स है, बट आर यहाँ पे कुछ जस्टिफाई नहीं कर रहा है, और आप सबने बिल्कुल सही पकड़ा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके ग्रेट। चलिए अगला अगला क्वेश्चन बताओ। देखो टॉपिक्स अगर आप पूछ रहे हो तो टॉपिक्स के लिए मैं आपको इतना ही बोलूंगी कि सीयूईटी एग्जाम में ना बहुत क्वेश्चंस है। देखा जाए आईआईटी एग्जाम के एग्जाम में तो आपके क्वेश्चंस आपको 60 के आसपास क्वेश्चंस, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी है, तो इन आईआईटी एग्जाम आपको लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस मिलेंगे हमारे लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी के, बट यहाँ पे बहुत स्कोप है क्वेश्चंस के, तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चंस मिल। तो
तो जो भी हम लोगों ने सेशंस अभी आपके लिए करवाएंगे सीयूईटी के लिए, जो भी वन शॉट रिवीजन सीरीज है, एग्जाम मैपिंग सीरीज है, उन सब में हम लोग वही टारगेट करेंगे जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बने, ठीक है? तो आप इनको अटेंड करते रहो, इवन हमारे जो प्रीवियस सेशंस आप उनको भी रेफर कर सकते हो। द सीक्वेंसेस, नहीं, सीयूईटी के एग्जाम में 75 क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, आपका टाइम कम हो गया है। कितने मिनट्स का पेपर है सीयूईटी का पेपर जो है, उन्होंने क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सिर्फ 75 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 25 क्वेश्चंस नहीं आएंगे। उन्होंने टाइम चेंज कर दिया है, टाइम कितना कर दिया है, पहले आपका पेपर कितना टाइम का होता था। द सीक्वेंस एसेंशियल फॉर द सेंट्रोमियर फंक्शन आर, इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, ओके, अबाउट 130 बेस पेयर लॉन्ग एंड वेरी रिच इन दी एडिनोसिन थायमिन पेयर, ठीक है? ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको आप लोग याद रख लें। अगला सवाल, हाँ, 1 hour 45 minutes मेंशन है ना आपके पेपर में। इस बार आपका पेपर 105 मिनट आपके इसमें दिया है, पहले आपका पेपर 2 घंटे का होता था। दे हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस तो आपका कम हो गया है, उसके अलावा आप लोगों को इस बार बोला गया है कि टाइम भी कम मिलेगा। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन एनएरोबिक एंड एरोबिक कंडीशन। जब आपको ऐसे क्वेश्चन देते हैं ना रिस्पेक्टिवली, तो याद रखना कि पहले आप लोगों को एनएरोबिक वाला बताना है, फिर आप लोगों को एरोबिक वाला बताना है। एरोबिक के एंड में क्या होता है ग्लाइकोलिसिस में, तो भाई बनता है पाइरूवेट, और अगर एनएरोबिक कंडीशन उस केस में लैक्टेट भी बन सकता है अगर लैक्टेट फर्मेंटेशन हो रहा हो, या फिर अल्कोहल भी फॉर्म हो सकता है। तो आंसर हियर विल बी यस यस यस। रूबी कौन से दो पेपर, कौन से दो पेपर? सो द आंसर इज लैक्टेट एंड पाइरूवेट हियर, ठीक है, गुड जॉब। अगला सवाल, आपको ऑप्शन दिख रहे हैं सारे, हाँ दिख रहे हैं। रूबी देखो, ये अभी कंफर्म नहीं होगा, और एक चीज याद रखना, अगर माइक्रोबायोलॉजी एग्जाम देने के लिए ज्यादा बच्चे हैं तो माइक्रोबायोलॉजी का पेपर आपका 2 से 3 शिफ्ट में हो सकता है। माइक्रोबायोलॉजी आप लोगों का 2 शिफ्ट में भी हो सकता है इफ दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग आर मोर। तो आप लोगों का ना एक स्केड्यूल बनता है, एक दिन में 3 CUET के एग्जाम्स होती है, एक दिन में 3 CUET के एग्जाम होती है, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट होता है। आप लोगों का एग्जाम किसी भी शिफ्ट में आ सकता है, जो आपको हॉल टिकट में मेंशन रहेगा, और आपका स्केड्यूल ये वाला आ जाएगा। यू विल गेट दिस स्केड्यूल बिकॉज सीयूईटी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, एवरी सब्जेक्ट इज देयर। तो सीयूईटी वाले पूरा हफ्ते भर में 3-3 शिफ्ट में एग्जाम्स लेते हैं, और आप लोगों का वो डेट देंगे कि अगर 17 को पेपर है, हो सकता है माइक्रोबायोलॉजी का 3rd शिफ्ट में हो, 18 हो सकता है माइक्रोबायोलॉजी 1st शिफ्ट में हो, 2nd शिफ्ट बायोकेमिस्ट्री हो, तो यू विल गेट दैट स्केड्यूल, डोंट वरी, ओके? तो एक दिन में 3 शिफ्ट में होती है, आपका किसी भी शिफ्ट में हो सकता है, वो स्केड्यूल अब तक आने का है, वो जैसे ही आ जाएगा आप लोगों को हम इन्फॉर्म कर देंगे। एंड श्रद्धा, ये 75 क्वेश्चन सिर्फ आपके टॉपिक के होंगे, अगर लाइफ साइंस आपने चूज किया तो लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी तो ओनली माइक्रोबायोलॉजी, लाइक दैट, ठीक है? बट याद रखना कि क्वेश्चन आपके बहुत जगह से आते हैं, जैसे मैंने बायोकेमिस्ट्री का पेपर सॉल्व किया था, वहां आपने देखा बायोकेमिस्ट्री का पेपर था बट क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम मोल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ऑल दीज टॉपिक्स। क्या आएगा इसका सवाल, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ अनट्रीटेड वाटर टू ड्रिंकिंग वाटर। नहीं श्रद्धा, सीयूईटी के एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यूज रहेंगे, वहां पे एमएसक्यूज एनएटी नहीं आते। अब बेफिक्र हो जाओ, सीयूईटी गैट भी दोनों एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यूज आने वाले हैं, वहां पे एमएसक्यूज गेट सॉरी एनएटी नहीं आएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है प्रिया, बिल्कुल नहीं है, कोई अन्याय नहीं हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है। तो व्हाट विल बी द आंसर हियर, इफ समर सेइंग ऑप्शन नंबर 2, समर सेइंग 3, समर सेइंग 4, चलो मिक्स आंसर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 हियर इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रेसिपिटेट, मतलब कि जो भी नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे चीज, सबसे पहले हम लोग उसको रिमूव कर देंगे। देन द वेस्टेज, द आयंस, दे विल बी रिमूव, जो टर्बिडिटी जमा होती है उसको हम लोग रिमूव करते हैं।
फिर उसमें अगर कोई टेस्ट और स्मेल आ रहा होगा उसको रिमूव करते हैं, देन वी एड द डिसइंफेक्टेंट, जिससे जो भी उसमें अल्टीमेटली चीजें रहेगी उन सबको डिस्ट्रॉय किया जाएगा. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ये क्वेश्चन देखे हम भी थोड़े से ये हो गए थे, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका ना इकोलॉजी एनवायरमेंट वाला क्वेश्चन है और ये बुकिश नॉलेज से नहीं आएगा, ये आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिकली सॉल्व करना था. और मेरे हिसाब से अगर आपको ये क्वेश्चन में गलत आपको समझ नहीं आ रहा तो डोंट अटेंड दिस क्वेश्चन, बिकॉज सीयूईटी में करेक्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं +4, बट आपने गलत आंसर दिया तो -1 हो जाता है. सीयूईटी में 1 मार्क माइनस होता है. तो ये क्वेश्चन जो था आप लोग डेफिनेटली स्किप कर सकते थे. मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन को आप डेफिनेटली स्किप कर सकते थे, बिकॉज दिस वॉज अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन. यू डोंट हैव टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चन. सीयूईटी में भी याद रखना आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, जितने मैक्सिमम करेक्ट कर सकते हो उतने ही करेक्ट करके आना, अननेसेसरी सबको सॉल्व नहीं करके आना है. ठीक है, चलो अगला सवाल. तनु बिल्कुल, अरे बाबा ये आपका एक पीवाईक्यू क्वेश्चन, ये आपका पीवाईक्यू है, दिस इज द होल पेपर. मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया है ताकि मैं आपके साथ में डिस्कस कर सकूं कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करो किसको स्किप करो. आप लोगों को ये समझना भी बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. मैम रुकी हुई तो नहीं है रूबी? ओके ओके सौरभ, कोई बात नहीं रूबी. देखो अगर आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं समथिंग वो कम करके देखते हैं ना, आई डोंट नो द वर्ड्स. श्रद्धा करेंगे करेंगे, बहुत जल्दी सारा आप लोगों के सामने आ जाएगा शेड्यूल सारी प्लानिंग. 3, विच इज नॉट एन एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड. तो यस, इम्यूनोग्लोबुलिन इज नॉट एन एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड ना. मुझे बताओ क्या आप एंटीबॉडी को इंजेक्ट करते हो टू ट्रीट एनी इन्फेक्शन? नो. एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड, इसको हम लोग AMPB बोलते हैं. ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड का मतलब होता है जो भी हमारे सर एंटीबायोटिक्स है दोज आर कंसिडर्ड एज दी एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड. सो ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर. हाँ यू गॉट मी साक्षी. क्वालिटी बोल आता है ना कुछ साइड में, थोड़ा कम करके देखो शायद लेस नेटवर्क में भी हो जाए. चलो इसको रीड करो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली एंड गिव मी द आंसर.
व्हाट विल बी द आंसर हियर? पीसीआर के बारे में सवाल है. आई थिंक पीसीआर आप सबको पता होता है. कैन यू गाइस टेल मी पीसीआर किसने दिया था? हु इज द पर्सन हु हैज इन्वेंटेड, हम बोल सकते हैं, हैज गिवन द प्रोटोकॉल. कैरी मुलिस, के ए आर वाई, है ना, एम यू डबल एल आई एस. तो यस, कैरी मुलिस वॉज द वन हु हैज गिवन अस दिस प्रोसेस. क्या बोला गया है? पीसीआर जो है एक मेथड है, इज अ टेक्निक टू एम्पलीफाई लार्ज क्वांटिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए. अगर आपको एक डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनानी है तो हम परफॉर्म करते हैं हमारा पीसीआर, दैट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. यहाँ पे हम एंजाइम कौन सा यूज करते हैं? यहाँ पे हम लोग एंजाइम कौन सा यूज करते हैं? और रीजन क्या दिया गया है? रीजन दिया गया है कि पीसीआर टेक्निक इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स: रीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन एंड सिंथेसिस. तो क्या ये इसका आंसर है या नहीं है? क्या ये मतलब ये सही है या नहीं है? यस, गुड. तो वी यूज स्टैक पॉलीमरेज बिकॉज पीसीआर परफॉर्म किया जाता है एट अ वेरी हाई टेम्परेचर रेंज, अप्रोक्सीमेटली 80-90 डिग्री सेल्सियस, है ना. तो उस टेम्परेचर रेंज पे अगर इसको काम करना है तो हमको एक ऐसा पॉलीमरेज चाहिए जो डीनेचर नहीं होना चाहिए एट दैट हाई टेम्परेचर. तो ए स्टेटमेंट तो हमारा सही है. बट अगर आप आर को देखो तो इसका एक्चुअली जो आंसर सीयूटी के आंसर की में था वो ऑप्शन नंबर 3 दे हैव मेंशनड. और जो रीजन उसका हो सकता है वो ये है कि रीनेचुरेशन होता है, डीनेचुरेशन होता है. पहली बात तो ये कि ये सीक्वेंस सही नहीं है. पहले होता है डीनेचुरेशन, फिर होता है रीनेचुरेशन. रीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पे ये होता है कि जहां पे हमारा प्राइमर आके लगेगा, ओके, वहां पे प्राइमर आके अलाइन होता है एंड फिर होता है वहां पे इलोंगेशन. इलोंगेशन बोलो, एक्सटेंशन बोलो. एज सच में हम लोग सिंथेसिस वर्ड को यूज नहीं करते हैं. एज सच में वी डोंट यूज द वर्ड सिंथेसिस हियर. तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही होगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा. बट यस, दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल. आई एम ऑल्सो नॉट 100% सेटिस्फाइड कि इसका आंसर 3 होना चाहिए. मुझे भी ये लगता है कि नहीं, सिंथेसिस वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं. बट द आंसर इन द सीयूईटी की वो ऑप्शन नंबर 3 को उन्होंने सही बताया है. उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को यहाँ पे रीजन एक्सप्लेन किया है. अनिलिंग या एक्सटेंशन होता तो वो भी सही है, एक्सटेंशन. ओके, एंड हाँ, वी ऑल्सो डोंट यूज द वर्ड रीनेचुरेशन हियर. ओके, रीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? देखो, हमारे पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उसका हुआ डीनेचुरेशन तो वो सिंगल स्टैंड हो गया. रीनेचुरेशन का मतलब होता है कि दोनों वापस से पास में आ जाना. यहाँ पे वी डोंट यूज द वर्ड रीनेचुरेशन एज वेल. हम लोग यहाँ पे अगर अनिलिंग बोलते, आपने सुना होगा, वी यूज द वर्ड अनिलिंग ऑफ प्राइमर. प्राइमर वहां पे आके अपने आप को अनिल करते, वो आके वहां पे ज्वाइन करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एज सच में रीनेचुरेशन वाला स्टेप भी नहीं होता है. सिंथेसिस वाला वर्ड भी हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे. हाँ, सीक्वेंस भी सही नहीं है. यस, ठीक है, चलो ये बताओ. तो दे हैव गिवन यू द एंजाइम्स और आप लोगों को उनके फंक्शंस बताए गए हैं. आपको बताना इनमें से कौन सा सही है. हाँ, यस हर्षिता, इस बेसिस पे सीयूईटी की में भी ऑप्शन नंबर 3 दिया था एंड इट वॉज नॉट चेंज एज वेल. सो अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक हम लोग ये सारी बातें बोल सकते हैं. देर इज नथिंग सच एज रीनेचुरेशन. हम बोलते हैं देर इज डीनेचुरेशन, देन देर इज अनिलिंग ऑफ प्राइमर, देन देर इज एक्सटेंशन और एलोंगेशन. डीएनए इज वन, सिंगल स्टैंडर्ड निक्स आ जाएगा. इट प्रोड्यूस सिंगल स्टैंडर्ड निक एंड डीएनए, समवॉट लाइक दिस इज द ऑप्शन. हाँ, कैरी मुलिस. ऑप्शन नंबर 1, सम आर सेइंग 1, सम आर सेइंग 3. चलो इसमें से देखो, आप लोगों ने कौन सा वर्ड सुना है? आरएनए इज एच. आरएनए इज एच हम कहां सुनते हैं? आपको याद है ये क्या करता है? ये परफॉर्म करता है प्राइमर रिमूवल. जस्ट अ सेकेंड. ओके, याद है आप लोगों को?
ये क्या करता है बच्चों? तो ये प्राइमर को रिमूव करता है, किसमें करता है? ना ना ना, देखो अगर हम बात करते हैं आरएनएज एच की, तो आरएनएज एच क्या करता है? इसका काम होता है टू परफॉर्म दी प्राइमर रिमूवल इन यूकैरियोट्स। याद है जिन लोग ने मेरे साथ पे रेप्लिकेशन पढ़ा है, हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग ये बात करते हैं बच्चों कि इफ वी टॉक अबाउट दी यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन, अगर ये हमारा है पैरेंटल डीएनए स्ट्रैंड, तो पहले उसको आके अटैच होता है आरएनए प्राइमर, फिर उसको आके अटैच होता है थोड़ा सा डीएनए प्राइमर, उसके बाद में करवाई जाती है इसमें इलॉन्गेशन, उसके बाद में होता है डीएनए का सिंथेसिस। जब हम बात करते हैं प्राइमर के रिमूवल की, तो जो आरएनए पार्ट है उसको कौन रिमूव करता है? इट इज रिमूव बाय आरएनएज एच। फिर डीएनए वाले पार्ट को रिमूव कौन करता है? तो दैट पार्ट विच कलर इज पेंडिंग, हाँ इस पार्ट को रिमूव करता है एक और एंजाइम कॉल्ड एज FEN1। जब आप लोग बनाते हो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जब हम लोग सी डीएनए की लाइब्रेरी बनाते हैं तब भी क्या करते हैं? व्हाट इज सी डीएनए लाइब्रेरी? तो सी डीएनए लाइब्रेरी में किया जाता है, हमारे पास में अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो हम इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से हम लोग एमआरएनए बनाते हैं विच इज दी हेटरोजिनस एमआरएनए। फिर परफॉर्म होगा इंट्रॉन का स्प्लाइसिंग, तो आ जाएगा हमारा सारा एक्सॉन एमआरएनए, मतलब कि हमारे सारे कोडिंग रीजंस आ जाएंगे। और जब हमारे सारे कोडिंग रीजंस आ जाएंगे फिर हम क्या करते हैं? तो फिर अभी इसका डीएनए बनाया जाता है। तो ये आरएनए रहता है और पहले तो बनता है हमारा एक आरएनए डीएनए हाइब्रिड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर हम लोग क्या करते हैं? तो उस आरएनए को रिमूव करते हैं और डीएनए को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे भी जो ये आरएनए रिमूव करता है ना, दिस वर्क इज डन बाय आरएनएज एच। बोला जाता है कि आरएनएज एच, एच स्टैंड्स फॉर द वर्ड हाइब्रिड। तो जहां पे भी डीएनए आरएनए का स्टैंड होता है, वैसे हाइब्रिड में से जहां पे डीएनए आरएनए का हाइब्रिड बनता है, वहां से जब भी हमको आरएनए रिमूव करना है, दैट रिमूवल इज ऑलवेज डन बाय आरएनएज एच। तो आरएनएज एच का एक फंक्शन याद रखे ना कि आरएनएज एच हम जहां जहां पे यूज करेंगे, कहां पे यूज करेंगे? जहां पे एक स्ट्रैंड डीएनए है, जहां पे एक स्ट्रैंड डीएनए है, एक स्ट्रैंड आरएनए है, उनके बीच के बॉन्ड को जब भी ब्रेक करना है तब आरएनएज एच को यूज किया जाता है। तो अगर हम ऐसा ऑप्शन ढूंढे यहाँ पे तो क्या बोला जाएगा? बी का क्या दिख रहा है आपको जल्दी बताओ? ऑप्शन नंबर बी हमारा कहाँ जाना चाहिए? 1, 2, 3, 4 में से ऑप्शन नंबर बी हमारा कहाँ जाना चाहिए? प्रिया, फेन इज यूज फॉर ब्रेकिंग द डीएनए पार्ट, दैट इज करेक्ट। 4 जाना चाहिए, यस अंजलि, वेरी गुड। तो क्या होना चाहिए बच्चों? बी का हमारा ऑप्शन नंबर 4 आना चाहिए, मतलब ए 1 और 2 में से आंसर होगा मेरा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, देखो अब डीएनए इज 1 दिख रहा है, एस 1 न्यूक्लियस दिख रहा है, दोनों हमारे न्यूक्लियस है डीएनए से, मतलब कि दोनों ब्रेक करने वाले हैं। कुछ एक इसमें से डिग्रेड करता है, एक सिंपली निक लगाता है, एक डिग्रेड करवाएगा एक निक लगाता है। डी क्या बोल रहा है? डी बोल रहा है टर्मिनल ट्रांसफरेंस, मतलब कि ये कुछ तो भी ऐड कराएगा। तो अगर मैं देखती हूं तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है डिग्रेड एस एस डी एन ए, एंड थर्ड बोल रहा है प्रोड्यूस सिंगल स्ट्रैंडेड निक। तो भाई ट्रांसफरेंस क्या करेगा? इट विल ऐड न्यूक्लियोटाइड्स। तो डी का मेरा 2 आना चाहिए, ये भी मेरे को कॉन्स्टेंट मिल गया। अब आपको ये पता करना है कि डीएनए इज 1 और एस 1 न्यूक्लियस, इसमें से कौन निक लगाता है और कौन डिग्रेडेशन करता है। आई बात समझ में? अब आपको ये ढूंढना दोनों में से, क्योंकि दोनों भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ही ब्रेक करने वाले हैं, बट इनमें से एक है बच्चों एंडोन्यूक्लियस और एक है इसमें से एक्सोन्यूक्लियस। एक जो है वो डिग्रेड करते 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 जाएगा और एक जो है वो सिंपली आके इट विल प्रोड्यूस अ सिंपल निक हियर। तो अब बताओ मुझे मनु सिंह ऑप्शन नंबर 2, व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट यू थिंक इज द आंसर हियर? मैंने आपको बहुत बड़ा एक हिंट दिया है अभी। तो अगर हम बात करते हैं
S1 न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस को हम कहाँ यूज करते हैं, न्यूक्लियस इज यूज टू डिग्रेड द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, तो सी का मेरा आना चाहिए 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द करेक्ट आंसर। जब भी आपको ऐसे सवाल मिलते हैं ना, इनको आप लिख के रख लिया करो क्योंकि आप लोगों को ये काम आएगा। ओके, आप लोग एक नोट्स बना लिया करो जिसमें आप लोग पॉइंटर्स लिखते हो, वहां पे लिख लो S1 न्यूक्लियस, उसके आगे लिख लो C के आगे दैट डिग्रेड्स सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, आरएनए इज एच डिग्रेड्स आरएनए फ्रॉम द डीएनए आरएनए हाइब्रिड, ऐसी बातों को आप लोग नोट करके रखो। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल ये वही क्वेश्चन है ना, चल ये बताओ। नाउ दे हैव आस्क यू अबाउट दी, आपको सवाल दिख रहा है सारा। हाँ, आपको पूछा गया है, आपको पूछा गया है अबाउट दी बायो जियो केमिकल साइकिल। दे हैव आस्क यू अबाउट दी बायो जियो केमिकल साइकिल, जैसे कि जो भी हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, फॉस्फरस है, मीथेन है, नाइट्रोजन है, आपको उनके बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको इनमें से सही बताना है। You have to find out the correct statements from here. क्या होगा इसका आंसर? What will be the answer here? क्या आएगा इसका आंसर बच्चों? सी, थ्री। तो आप लोग बोल रहे हो श्योर नहीं है, स्किप कर दो ना, किसने कहा पूरा पेपर सॉल्व करने। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग स्किप द क्वेश्चन, नो डाउट। नेगेटिव में जाओगे ना तो कमाए हुए मार्क्स भी गंवा दोगे, सो यू कैन स्किप द क्वेश्चन इफ यू। ओके, हाँ बिल्कुल, रील्स प्लस डीएनए पॉलीमरेज वन का काम ही होता है, डीएनए पॉलीमरेज वन जो प्रेजेंट रहता है इन दी प्रोकैरियोट्स, उसका काम होता है प्राइमर रिमूवल एंड गैप फिलिंग। ठीक है, उसके पास में होती है कुछ एक्टिविटीज, उसके पास में होती है 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी विच इट यूजेस फॉर द प्राइमर रिमूवल। इट ऑल्सो हैज 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये होती है उसकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। उसके पास में होती है 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, जो होती है उसकी गैप फिलिंग एंड प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, चलो, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। एक्चुअली ई स्टेटमेंट आप सारे मुझे बता रहे हो ऑप्शन नंबर 3, मेनी ऑफ यू आर टेलिंग मी। आप लोग बता, देखो ई में क्या दिया है, नाइट्रोजन फॉस्फरस एंड सल्फर साइकिल हैव ओनली गैशियस कॉम्पोनेंट। नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू सो मेनी फॉर्म्स, फॉस्फरस इज ऑल्सो कन्वर्टेड टू सो मेनी फॉर्म्स, सल्फर भी हमारे इतने सारे फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है, वही आपकी पूरी रॉक साइकिल वगैरह चलती है इनके आजू बाजू। तो ये सारे के सारे आपके सिर्फ गैशियस कॉम्पोनेंट नहीं होते हैं, ये हमारे सॉलिड पार्टिकल्स पाउडर के फॉर्म में भी एक टाइम पे कन्वर्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही, तो ई हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एंड आई थिंक बाकी ए और सी आप लोगों ने बताया है, तो आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली कंफर्म। देखो ए तो सबके लिए सही है, ए आपको सारा ऑप्शन मिल भी रहा है, तो यस ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड सी इज ऑल्सो करेक्ट दैट फॉस्फरस इज साइकिल इन इट्स ऑक्सीडाइज स्टेट फॉस्फेट एंड देर इज नो गैशियस। ठीक है, चलिए अगला सवाल। बी भी सही है, बी में क्या बोला है, बायो जियो केमिकल इज नॉट एनर्जाइज्ड बाय सोलर एनर्जी। सीरियसली
एनर्जी के बिना हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट है भाई। प्लांट्स कैसे परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस अगर सनलाइट नहीं रहेगी तो? सनलाइट के बिना कोई कोई काम नहीं हो सकता। बोलते ना सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट नहीं रहेगा तो प्लांट्स नहीं परफॉर्म करेंगे और उनका पूरा साइकिल ठप हो जाएगा। विच ऑफ द फॉल विच सॉरी विच इज नॉट द हेट्रोपॉलीसेकेराइड ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मेट्रिक्स इन मल्टी सेलुलर एनिमल? Not a heteropolysaccharide. Keratin क्या है? Keratin is a protein ना। बालों में क्या होता है? बालों में keratin होता है। बालों में होता है बच्चों keratin। तो keratin is not a heteropolysaccharide of ECM in the animals ना। ECM से थोड़ी कनेक्टेड है कुछ। केराटिन जो है एक प्रोटीन होता है जो हमारे हेयर्स में प्रेजेंट रहता है। बाकी हेपारिन, केराटिन सल्फेट, हाइलुरोन ये सारे के सारे आपके ECM के ही पार्ट होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा सेल टू सेल इंट्रैक्शन और सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मेट्रिक्स इंट्रैक्शन, तो भाई इन इंट्रैक्शन में हम लोग ये बाकी के सारी चीजों को पढ़ते हैं। बट केराटिन सच में इट इज नॉट एन पॉलीसेकेराइड ऑफ ECM, ये एक तरीके का प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चलो अगला सवाल। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इन द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? क्या आएगा इसका आंसर? अगर हम बात करते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की तो इसके तीन पाथवेज होते हैं। आप मुझे बता सकते हो कौन कौन से पाथवेज होते हैं? पहले चलो आंसर तो दे दो, पाथवे भी हम चलो। आई गॉट वन आंसर फ्रॉम अनुष्का। अनुष्का इज वन ऑफ द वेरी कंसिस्टेंट स्टूडेंट, आई हैव सीन हर इन मेनी। गुड गुड। बाकी भी बच्चे हैं, बाकी बुरा मत मान जाना मैम, हम भी तो आते हैं। नहीं बाबा सब आते हो, बट तो मैंने काफी रेगुलरली देखा है। तनु भी काफी रेगुलर है, IIT जाम के सेशन से आई थिंक तनु ने ज्वाइन किया है। हाँ तो मैनी ऑफ योर गोइंग ऑप्शन नंबर 4 समर सिंह 2। चल कौन कौन से पाथवेज होते हैं बच्चों? तो एक होता है क्लासिकल पाथवे, एक होता है ऑल्टरनेट पाथवे और एक होता है आपका फिर लेक्टिन डिपेंडेंट पाथवे। क्लासिकल पाथवे स्टार्ट होता है बाय द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ऑल्टरनेट पाथवे में जो भी हमारे एक्स्ट्रा जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जो भी आपके पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं, कोई प्रोटीन पार्ट हो सकता है, वो सारे ऑल्टरनेट पाथवे में आएंगे। मे बी लाइपोपॉलीसेकेराइड में भी फ्लैजेला ये स्टार्ट करते हैं पाथवे को। और अगर हम बात करते हैं लेक्टिन डिपेंडेंट पाथवे की, तो यहाँ पे शुगर जैसे कि मैनोज शुगर वगैरह है उनके प्रेजेंस में पाथवे हमारी स्टार्ट होती है। तो अगर हम बात करते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स की, तो ये तीन तरीकों से हमारे पाथवे स्टार्ट हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट पाथवे से क्या होता है? तो एंड में बनता है मैक, मतलब कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जो एक तरीके से पोर फॉर्मेशन करता है इन दी पैथोजन, इन दी बैक्टीरिया, जिससे बैक्टीरिया का हो सकता है ऑस्मोटिक लाइसिस। उसके अलावा इस पाथवे से C3 भी बनता है जो एक ऑप्सोनिन है, और ये कॉज करवाते हैं ऑप्सोनाइजेशन, मतलब कि अगेन इट इज एन इंड्यूस्ड फेगोसाइटोसिस। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स भी बनते हैं, जो कॉज करवाते हैं बच्चों इन्फ्लामेशन। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट पाथवे की हेल्प से काफी कुछ करवाया जा सकता है। ठीक है हाँ। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो पहले कुछ मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं ना, दिस इज अ कैस्केड, यहाँ पे कैस्केड चलता है, मतलब और यहाँ पे प्रोटोलाइटिक क्लीवेज से एक्टिवेशन और एक्टिवेशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर C3 कन्वर्टेज बन गया, वो क्या करेगा? इट विल कन्वर्ट C3 इनटू C3A एंड C3B। फिर हमारा C3B यूज होता है टू मेक दी C5 कन्वर्टेज। ठीक है, फिर ये क्या करेगा? C3B अलॉन्ग विद सम मोर मॉलिक्यूल्स वो बनाएगा बच्चों C5 कन्वर्टेज को। इट विल प्रिपेयर दी C5 कन्वर्टेज। C5 कन्वर्टेज क्या करेगा? तो भाई ये अभी C5 को ब्रेक करता है,
और C5 को यूज करके बनाया जाता है हमारा मैक कॉम्प्लेक्स। तो मुझे एक ऐसा ऑप्शन चाहिए है जहां पे C5 होना चाहिए और C3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि C5 को आके अटैच होते हैं फिर C6 7 8 9 वो आएंगे। तो आई वॉन्ट वन सच ऑप्शन जहां पे C5 होना चाहिए पर C3 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे C5 है, यहाँ पे C5 है, यहाँ पे C3 है, तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ठीक है, रिमेम्बर इट लाइक दिस स्टूडेंट्स कि आपको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए है बिकॉज हमारे मैक में C5 डेफिनेटली रहेगा क्योंकि C5 तब ब्रेक हुआ है, पर C3 भी इज पार्ट ऑफ C5 कन्वर्ट, इज नॉट पार्ट ऑफ दी मैक हियर। तो ऑप्शन एक ऐसा ढूंढो जहां पे 6 7 8 9 हो और C5 भी हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4th हियर इज दी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब है। चलो नेक्स्ट बताओ, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज, मनु क्या समझ नहीं आया? आपने कॉम्प्लीमेंट पाथवे अगर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो एक काम करो आप चैनल पे सर्च करो। तुम मुझसे पूरा रिपीट करवाओगे? चलो एक काम करो, एक क्वेश्चन को ट्राई करो फिर हम रिपीट करते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन देन आई विल एक्सप्लेन यू। ऑप्शन नंबर 1, और मेरे प्यारे सुंदर बच्चों आपको यहां पे इनकरेक्ट बताना है। ढूंढने निकल पड़े, सारे निकल पड़े हैं करेक्ट ढूंढने को, है ना? सब निकल पड़े हैं करेक्ट ढूंढने को। सवाल तो पढ़ो ठीक से, इतनी एक्साइटमेंट। यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर, क्या होगा? पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर नेट चार्जेस एंड मास। देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अगर हम बात करते हैं 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस के, तो यस वहां पे हम दोनों बातों का ध्यान रखते हैं, है ना? वहां पे एक तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी चेक किया जाता है और उनका मास भी चेक किया जाता है। इफ वी हैव टू प्रोटीन्स ऑफ इक्वल मास, अगर दोनों का वजन बिल्कुल सेम है तो फिर उनको हम लोग चार्ज के बेसिस पे सेपरेशन करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, बेस्ड ऑन देयर चार्ज एंड मास, बिल्कुल सही है। सेकेंड क्या बोल रहा है? डिफरेंशियल माइग्रेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स थ्रू अगारोस जेल और पॉलीक्रिलामाइड जेल इन विच स्मॉल पार्टिकल्स मूव स्लोली। नहीं बाबा, स्मॉल पार्टिकल्स स्लो नहीं, सबसे तेज भागते हैं, है ना? जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो स्लोली जाएंगे, छोटे पार्टिकल्स तो बिल्कुल जेल में जगह देख देख के आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज दी एब्सोल्युटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर, एंड मेनी ऑफ यू हैव गिवन मी ऑप्शन नंबर बी एज दी आंसर, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट इज ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल हेल्प देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड। सही बात है, क्योंकि डीएनए में होता है नेगेटिव चार्ज और हम क्या करते हैं उसको पॉजिटिव की तरफ में रन कराते हैं फॉर बेटर सेपरेशन। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है? माइग्रेशन ऑफ द स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट थ्रू जेल इज क्विकली। यस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्विकली जाएंगे, लार्ज मॉलिक्यूल स्लोली जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4th इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, देखो ये मैं आप लोगों को पूरा पाथवे तो अभी समझा नहीं पाऊंगी, मैं आई ट्राई टू मेक अ कॉन्सेप्ट वीडियो फॉर यू ऑल, इज इट फाइन? मैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ ऑन द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। देखो बेसिकली होता ये है कि जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा या फिर अगर हमारे बॉडी में कुछ फॉरेन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, लाइक देयर इज लाइपोपॉलीसेकेराइड, देयर इज पेप्टिडोग्लाइकन, मतलब ऐसा कोई पॉलीमर जो हमारे लिए नॉर्मली हमारे बॉडी में नहीं पाया जाता। ऑफकोर्स हमारे बॉडी में नॉर्मली नहीं पाया जाता है, बट अगर ऐसे कोई मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में देखे जाए तो अगेन हमारे कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं, लाइक देयर इज बी फैक्टर वगैरह यहाँ पे एक्टिवेट होते हैं। फिर एक और तरीका हो सकता है कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनके आउटर लेयर में मैनोज प्रेजेंट रहता है, उसको मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन जाके एक्टिवेट होते हैं, फिर उसको आपके सीरिन प्रोटीन जाके एक्टिवेट होते हैं। तो इनसे होता ये है ना कि हमारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आर नथिंग बट दे आर सम सीरम प्रोटीन्स जो हमारे सीरम में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, बट अगर हमारे बॉडी में या तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन चुका है या कोई फॉरेन बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट है या फिर कोई फॉरेन शुगर्स प्रेजेंट है जो नेचुरली हमारे अंदर नहीं होता है, उस केस में हमारे कुछ प्रोटीज एक्टिवेट होते हैं और ये लाइन से एक्टिवेशन कराएंगे।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमारा सीरीन प्रोटीज एक्टिवेट होता है वो क्या करता है, वो सी फोर को लेके ब्रेक करता है इंटू सी फोर ए एंड सी फोर बी. इट विल ऑल्सो टेक सी टू, कन्वर्ट किया जाएगा इंटू सी टू ए एंड सी टू बी. तो इस तरीके से इन प्रोटीन्स को ज्वाइन कर करके बनाएगा, फिर हमारा सी थ्री कन्वर्टेज बनेगा. फिर सी थ्री कन्वर्टेज क्या करेगा, तो सी थ्री कन्वर्टेज सी थ्री को लेगा, उसको ब्रेक करेगा इंटू सी थ्री ए एंड सी थ्री बी. इट विल यूज अ सी थ्री बी पार्ट एंड बनाएगा फिर आपका सी फाइव कन्वर्टेज. तो बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि हमारे पास अगर एक प्रोटीन है सी थ्री, क्या किया जाता है, इसको ब्रेक किया जाता है इंटू सी थ्री बी एंड ब्रेक किया जाता है इंटू सी थ्री ए. वन पार्ट इज यूज, वन पार्ट इज आइदर डिग्रेडेड या फिर वो काम कर सकता है इन पॉजिंग द इन्फ्लेमेशन. तो इस तरीके से यहाँ पे लाइन से हमारा सिस्टम जो है वो काम करता रहता. ठीक है, थोड़ा समझ में आया. ये एक्चुअली बड़ी लंबी प्रोसेस है, मुझे पढ़ाने को एटलीस्ट 20-25 मिनट्स लगेंगे इसको, मैं पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगी आपको, बट आई थिंक यू गॉट अ बेसिक आइडिया व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट पाथवे. तो एक्टिवेशन का जो जरिया है वो अलग अलग रहता है, पर अल्टीमेटली हमारा बनता है यहाँ पे मैक कॉम्प्लेक्स. एंड मैक में क्या होगा, तो सी फाइव बी रहता है, उसके साथ में सी सिक्स सेवन एट और नाइन, ये सारे मिलके क्या बनाएंगे, सारे मिलके बनाते हैं फिर मैक, मतलब कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स. ठीक है, क्लियर टू ऑल, थोड़ा समझ में आया, थोड़ा सा पल्ले पड़ा. आप लोग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट पाथवे सर्च करना, तो मेरा मैंने लेक्चर लिया है इस पे वाईटी पे, तो आप लोगों को शायद मिल जाएगा वो. ओके चलो, ओके ग्रेट, इसको ट्राई करो. मैं हट जाती हूँ, आपको सवाल दिखेगा नहीं, वरना मैं यहाँ से हट जाती हूँ. रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली. माइक्रोस्कोपी से बहुत बार उनके फंक्शंस पे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा माइक्रोस्कोपी आप लोग किस चीज के लिए परफॉर्म करते हो. चलिए, तो जहां पे मुझे ना बहुत ज्यादा आप लोगों की यूनिटी दिखती है ना, मैं समझ जाती हूँ कि ये तो अभी सही होगा. बिल्कुल, आई थिंक नो वन हैज गिवन मी द इनकरेक्ट आंसर, ऑल ऑफ यू आर गिवन मी ऑप्शन नंबर थ्री जो बिल्कुल सही आंसर है. गुड जॉब, गुड जॉब. ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, अभी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, जो शुरुआत में थोड़े से बिखरे पड़े थे बच्चे, यहाँ ये भी बता रहे वो भी बता रहे, अभी आप लोगों को सबको सही मिल रहा है ना. फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा कुछ ढूंढ लो फ्लोरोसेंस वाला ऑप्शन. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन रिलेटेड आपको ऑप्शन मिलना चाहिए, तो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सी का मेरे को टू मिल जाना चाहिए था. ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोपी, लाइट इज यूज्ड एज द सोर्स, तो बिल्कुल सही बात है, डी का वन है ना, डी का वन. उसके बाद में अगर हम बात करते हैं डार्क फील्ड की, तो डार्क फील्ड में याद रखना यहाँ पे क्या किया जाता है ना, तो यहाँ पे बाउंड्रीज को मतलब बैकग्राउंड को स्टेन किया जाता है. ओके, बैकग्राउंड और फिर हमको हमारा सैंपल अलग से दिखने को मिलता है. सो ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो बिल्कुल सही जवाब है. एंड गुड जॉब, अपने खुद के लिए क्लैप कर लो. एवरी वन इज गिवन मी द करेक्ट आंसर, वेरी गुड एवरी वन. चलो अभी थोड़ा सा बॉटनी का क्वेश्चन आ गया, बॉटनी वाले यूं आंसर कर देंगे, बाकी हम देखते हैं. ग्रेट तनु, ग्रेट,
आई रिमेम्बर वेरी वेल तनु, यू वेर अ वेरी कंसिस्टेंट स्टूडेंट, सारे सेशंस में आए हो आप, और आपने के सवाल भी बहुत पूछे हैं, मुझे तो बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं, बट व्हेन यू गिव सच गुड फीडबैक ना, तो मुझे फिर कभी नहीं लगता है कि इतने सवाल क्यों पूछे हैं। आई रिमेम्बर यू यूज टू से कि मैम आपने मेरे क्वेश्चन को जवाब नहीं दिया, आपने मुझे एक्सप्लेन नहीं किया, आई रिमेम्बर यू, बट इट्स ग्रेट टू नो कि आपने वो सारी चीजों को समझा और आपने जाकर उसको एग्जाम में अप्लाई भी किया एंड यू गॉट ऑल दी क्वेश्चंस, दैट्स ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट डियर। चलिए क्या आएगा इसका आंसर ना, दिस इज अ प्योर बॉटनी क्वेश्चन, इफ यू नो यू नो। अंजलि देखो असर्शन रीजन में, हाँ मैंने देखा है कि बहुत बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है, आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है ना, सेंटेंस को पढ़ो, उसमें जो भी क्रक्स है उस सेंटेंस का उसको लिख के रखो या उसको याद रखो और देखो कि क्या वो बात को वो गिव रीजन की तरह एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, इन टेरिडोफाइट्स जेनेरा लाइक सेलाजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूसेस हेटरोस्पोर्स, ठीक है, एक तरीके के प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं तो ये बनाते हैं हेटरोस्पोर्स को, ठीक है। रीजन क्या बोला है, हेटरोस्पोरी इन टेरिडोफाइट्स इज अ प्रीकर्सर टू दी सीड हैबिट व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन, व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। अब थोड़ी थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं बच्चे हमारे, कुछ वन कुछ टू। देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ के आपको ये समझ में आ रहा है कि टेरिडोफाइट्स में प्लांट्स क्या करते हैं, टेरिडोफाइट्स वाले जो स्पीशीज होते हैं वो हेटरोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है बच्चों की जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो ये हेटरोस्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं, और रीजन एक्सप्लेन ही तो कर रहा है ना, हेटरोस्पोरी क्या होती है, तो हेटरोस्पोरी जो है वो टेरिडोफाइट्स में एक देखी जाती है इन टेरिडोफाइट्स, और ये प्रीकर्सर होता है सीड हैबिट का। अगर आपने एवोल्यूशन को थोड़ा सा पढ़ा है तो उसमें हम बोलते हैं ना कि प्लांट्स कैसे कैसे हमारे इवॉल्व हुए हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट, डाइकॉट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, और आर यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि आर यहाँ पे बता रहा है कि हेटरोस्पोरी सेलाजिनेला टेरिडोफाइट्स उसको जस्टिफाई भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट। देखो नॉट एग्जैक्टली एवोल्यूशन में बोलूंगी कि बॉटनी का क्वेश्चन है, क्योंकि बॉटनी वालों को पता होता है अबाउट सेलाजिनेला एंड साल्विनिया, ओके अगर कोई शायद बॉटनी नहीं आती किसी को तो किसी को ये भी नहीं पता होगा कि हेटरोस्पोर्स बनाते भी है कि नहीं बनाते हैं। इफ यू आर नॉट श्योर यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, इसको मैं नहीं बोलूंगी कंपल्सरीली आप सबने अटेम्प्ट करना चाहिए था, ऐसे क्वेश्चन को फिर आप लोग स्किप कर सकते हैं। चलो इन फोटो पीरियडिज्म लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर्स ओनली, लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर्स की बात की गई है, दे हैव आस्क्ड यू टू, चलो दो लोगों ने टू बताया है अब तक, हाय का नाम हाय है, इन फोटो पीरियडिज्म लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर्स ओनली। देखो लॉन्ग डे प्लांट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट नाइट, लॉन्ग डे प्लांट का मतलब होता है शॉर्ट नाइट, तो ये जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं उनमें क्या दिखना चाहिए, ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहां पे लॉन्ग डे एंड शॉर्ट नाइट की बात कर रहे हो, नाइट इज लॉन्गर तो नहीं आएगा, नाइट इज शॉर्टर ये बात सही हो सकती है, अब फ्लैश ऑफ लाइट इंटरप्टिंग, फ्लैश ऑफ लाइट नहीं, हमको बहुत देर तक लाइट चाहिए, प्रिवेंट फ्लावरिंग बोल रहा है, लाइट पीरियड ऑफ लेस देन 8 आवर्स इज सफिशियंट, नहीं, तो लॉन्ग डे क्या बात का अगर वो 8 घंटे से कम में फ्लावरिंग दे रहा है, तो ठीक है, सो ऑप्शन नंबर टू हियर इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अगले सवाल का जवाब दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पॉसिबल हजार्ड्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी क्रॉप्स होते हैं इसमें ड्रॉबैक पूछा गया है, ये आपका ऑप्शन नंबर फोर है, ठीक है, दिस इज ऑप्शन नंबर
नहीं होगी शालिनी। हजार्ड का मतलब होता है कुछ बुरा होना, ड्रॉबैक्स बोलते हैं ना हम। क्या ड्रॉबैक है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के? देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो है हम लोग यूज कर रहे हैं क्या? कोई बताओ पहले मुझे, क्या हम कोई जीएमओ यूज कर रहे हैं अभी? बैंड है सब कुछ। हाँ बोल सकते हैं। गोल्डन राइस दुकान में जाके खरीद लिया आपने? तो सी जो भी हमारे जीएम क्रॉप्स है ना, यूजुअली हम लोग ने बीटी कॉटन को तो ले लिया है, बट जितने बाकी के जो है, बीटी ब्रिंजल है, फ्लेवर सेवर टोमेटोज है, इन सबको हम लोग ने मार्केट में अब तक नहीं लाए हैं। अगर आपने किसी को बताया कि भाई ये खाओ ब्रिंजल, ये अच्छा है, क्या अच्छा है, तो इसमें हमने एक बैक्टीरिया डाला है जिसके पास में कुछ एक ऐसा रेजिस्टेंट जीन था जिससे कीड़े नहीं लगते। आप किसी को बोलो बैक्टीरिया है इसमें, तो वो क्यों खाएगा उस ब्रिंजल को? हालांकि साइंस पर्सन विल नो द एडवांटेजेस ऑफ इट, बट यस, अ नॉर्मल पर्सन विल नॉट डू। बीटी कॉटन इज नॉट एडिबल है ना, उसको हम खाते नहीं है, तो उसको हमने अडाप्ट कर लिया है। बट बाकी के जितने भी क्रॉप्स होते हैं वो अभी भी परमिशन वाले स्टेज में आके नहीं अप्रूवल हो रहे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? मॉडिफाइड जीन्स ऑफ दी हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। जब भी हम लोग कोई जीन को रेजिस्ट, अगर हम बोले कि कोई प्लांट रेजिस्टेंस हो रहा है, तो हम उसके जीन में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है? मॉडिफाइड जीन्स ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट फ्रॉम दी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स गेट इनटू अ वीड प्लांट थ्रू पॉलिनेशन। अगर हमने एक मेल प्लांट बनाया, वो मेल प्लांट के जीन को हमने मॉडिफाई किया हुआ है, अब वो मेल प्लांट का जो पोलन ग्रेन है, ओके, गेट इन टू वीट थ्रू पॉलिनेशन, एंड दिस प्लांट बिकम्स रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड, सो बिकम अ सुपर वीड। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता है? ये एक रीजन था बच्चों कि देखो एक टाइम था जब जीएमओ जब बनाते थे तो हम लोग उनके डीएनए में म्यूटेशंस लाते थे, हम उनके डीएनए को चेंज करते थे। बट पता चला कि अगर आप ऐसे करने लगे, अगर आपने प्लांट्स को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया, सोचो कि बीटी, चलो बीटी व्हाट इज बीटी कॉटन जो है उससे क्या हो रहा है, इंसेक्ट्स प्लांट को नहीं खा पा रही है। इंसेक्ट्स जो कॉटन के प्लांट को डिस्ट्रॉय करते थे वो इंसेक्ट्स नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट के गट में जाता है वो सारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिससे उनके स्टमक में बनता था आपका साइनाइड एंड ऑल फॉर्मेशन होता था, साइनोजन, और उससे उनकी डेथ होती थी। तो क्या आप मानते हो कि अगर ह्यूमन ने इस तरीके से इंटरवीन करना स्टार्ट कर दिया सारे प्लांट्स में, तो हो सकता है कि सारे इंसेक्ट्स का पॉपुलेशन खत्म हो जाए? हमारे में है ना इतनी कैपेबिलिटी? अगर हमने प्लांट को इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? उसको कोई नहीं खा पाएगा, हर्बीवोर्स भी नहीं खा पाएंगे। तो इससे क्या हो सकता है बच्चों? इससे वो जो एनिमल है वो परमानेंटली वहां से उनका डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, इससे एनिमल्स परमानेंटली डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। तो व्हाट विल हैपन हियर? मॉडिफाइड जीन्स जो है ये हमारा, हाँ बिल्कुल सौरभ, यस। तो व्हाट इज द रीजन? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अभी बैन किया है, आप लोग एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते हो किसी भी प्लांट के जेनेटिक लेवल पे जाके। अगर आप नहीं कहते आपको जेल भी हो सकती है, बट इन दिस केस देन दे हैव सेड कि अगर आपको कुछ करना है तो आप उनके क्लोरोप्लास्ट के जीनों में कुछ चेंजेस कर सकते हो, बट न्यूक्लियर डीएनए के लेवल पे कुछ काम करने से स्ट्रिक्टली बैन है अभी। तो डोंट ट्राई एनी सच थिंग। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ये सुपर वीड बन सकता है। हो सकता है कि एक टाइम आए कि इस प्लांट को हम भी ना डिस्ट्रॉय कर पाए, जो सुपर वीड बन चुका है। सेकेंड क्या बोला? देर इज नो पॉसिबल हजार्ड, ये तो बात गलत है। थर्ड क्या बोल रहा है? प्रोडक्शन टेक्निक ऑफ जीएम क्रॉप इज प्रूफ एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफर्स द एडवांटेज ऑफ ट्रांसफरिंग ऑन दोज जीन्स दैट आर रिक्वायर्ड। ओके बट नॉट एग्जैक्टली। प्रोडक्शन ऑफ जीएम क्रॉप्स में रिप्लेस द एग्जिस्टिंग जर्म प्लाज्म। ना ना ना। तो आपको पूछा गया था हजार्ड, मतलब कि क्या यहाँ से गलत हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। एक ऐसा प्लांट हम लोग ही बना देंगे जो प्लांट फिर उसको हम भी ना मार पाए, हम भी नहीं मार पाएंगे उस प्लांट, ठीक है? सो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर।
चलो ये बताओ, इन इंटरफेस सेल लेस कॉम्पैक्टेड एंड हाईली कंडेंस्ड क्रोमैटिन इज कॉल्ड एज। आई थिंक ये तो काफी इजी है, लेस कॉम्पैक्टेड एंड हाईली कंडेंस्ड, मतलब हाईली कॉम्पैक्टेड पूछ, ये तो हमने इतनी बार पढ़ा है आज। हाँ यस सौरभ, हजार्ड नहीं है वो, तू बोलोगे ना मैं मारूंगी यहां से, है ना। तो लेस कॉम्पैक्टेड का मतलब होता है यूक्रोमैटिन फॉर्म, हाईली कंडेंस का मतलब होता है बच्चों हेटेरोक्रोमैटिन। ऑप्शन नंबर 3 हियर इज द करेक्ट आंसर। हाँ ये बताओ, इन क्लोरोप्लास्ट एटीपी जनरेशन बाय केमियोस्मोसिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स। एटीपी जनरेशन के बारे में पूछा गया है, एटीपी का जनरेशन कैसे होता है ये पूछा गया है। Do you remember the structure of chloroplast? I think ये तो सबको याद होगा, क्लोरोप्लास्ट का एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, फिर उनका होता है इनर मेम्ब्रेन, देन दे हैव दिस ग्रैनम, इस तरीके से। आपको ये बताना है कि एटीपी का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, जब हाइड्रोजन आयन कहाँ से कहाँ जाते हैं। तो दीज आर दी थायलाकोइड, और भाई अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कहलाएगा हमारा थायलाकोइड, और इसी थायलाकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं हमारे फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2, जहाँ पे लाइट स्ट्राइक करता है और वहीं से स्टार्ट होता है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहीं से स्टार्ट होता है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो क्या बोला गया है, द डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द थायलाकोइड स्पेस बैक इनटू द स्ट्रोमा, है ना, क्योंकि एटीपी सिंथेसिस का ओरिएंटेशन इस तरीके से होता है, याद है एटीपी सिंथेसिस इस तरीके से ओरिएंट रहते हैं। तो जब यहां से प्रोटॉन्स बाहर निकलेंगे तब क्या होगा बच्चों, तब होगा यहाँ पे एटीपी का, तब होगा बच्चों यहाँ पे एटीपी का ठीक है। तो कब होगा, व्हेन हाइड्रोजन आयंस डिफ्यूज फ्रॉम द थायलाकोइड स्पेस बैक टू द स्ट्रोमा, है ना, ये होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज बेसिकली द साइटोप्लाज्म ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, हाइड्रोजन आयन फ्रॉम स्ट्रोमा, ना 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 ये सारे स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन नंबर 4th इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4th इज द करेक्ट आंसर। यस साक्षी, हाँ एवरीवन सेइंग 4, बिल्कुल सही जवाब। Now this is a zoology question. If you know, attend it. If you don't know, you can like skip this question. क्या आएगा इसका आंसर? The body cavity which is lined great Sakshi, great. बहुत बढ़िया, सही मार करके आयो ना फिर लवली टू हियर दिस, स्माइल आ गई फेस पर। चलो मैं क्या कहा था, एग्जाम हॉल में जाना, बैठना, आराम से सवाल पढ़ना, और जब आपको आंसर आने लगेंगे ना, आपके अंदर से वो खुशी आती है एंड यू फील वेरी गुड अबाउट इट, फिर आप सारे पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ते हो, ग्रेट। बस वो लवली टू हैव दिस रिव्यू फ्रॉम योर एंड, यू थैंक यू। चलो ऑप्शन नंबर 2 नॉट बोला है, नॉट बोला है यहाँ पे, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय म्यूजोडर्म कॉल्ड एज सीलम। तो पूछा गया इनमें से कौन कौन सीलमेट्स नहीं है, किनके पास में ये नहीं प्रेजेंट रहेगा।
तो व्हाट इज द आंसर हियर? अच्छा द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सी ओनली. सिर्फ सी जो है उनके पास में नहीं रहेगा, बाकी सबके पास में रहेगा. जूलॉजी वाले बिल्कुल सही बताएंगे ऑप्शन नंबर 4. ठीक है चलिए अगला सवाल. जे चेन इज प्रेजेंट इन, जे चेन कहाँ पाया जाता है, कौन से एंटीबॉडी में? हाँ अनुष्का देखो एनिमल साइंसेस के आपके टॉपिक्स करवाए जाएंगे, कंडक्ट दो सेशंस आज पे. वेरी गुड साक्षी, है ना. तो यहाँ पे तो अच्छा यहाँ पे दो ऑप्शन आई जी ए दिया है ना, एक को मैं चेंज कर देती हूँ, एक को आई जी जी लिख देती हूँ. तो यस अगर हम बात करते हैं जे चेन की, जे चेन जो है 17 किलो डाल्टन की चेन होती है एंड दिस चेन इज फाउंड इन, ओके यस यस सॉरी सॉरी मैंने ऑप्शन से, ये चेन कहाँ पाया जाता है? दिस इज फाउंड इन आई जी ए एंटीबॉडी एज वेल एज आई जी एम. आई जी ए का स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और हम बताते हैं कि उसके बीच में इस तरीके से जे चेन प्रेजेंट रहती है ना. तो ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द करेक्ट आंसर. गुड जॉब. चलो ये बताओ द कैरियोटाइप ऑफ इंडिविजुअल. अब ये बड़ा इजी है. रिटर्न 47. हाँ आई जी ए इज डाइमर, आई जी एम इज पेंटामर. कल इम्यूनोग्लोबुलिन, अच्छा आपने बता दिया क्वेश्चन. हाँ यस आई जी एम में भी होता है बट ऑप्शन में आई जी एम नहीं था, बट गुड दैट यू हैव दैट इंफॉर्मेशन. ग्रेट ग्रेट. कल बच्चे बहुत एक्साइटेड थे सारे, जिन लोगों ने पेपर देके आए थे आई टी टाइम के, देवर सो हैप्पी दो एक्साइटेड मैम ये आया ये आया ऐसे वैसे, उनकी खुशी देख के मुझे बहुत खुशी हुई है कल. क्या आएगा इसका आंसर? 3 2 1. देखो देखो इस प्रश्न को 2 मिनट रहने देते हैं, तो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ. ठीक है यहाँ पे क्या बोला है, एक्स एक्स कंडीशन है, एक्स एक्स कंडीशन है मतलब कि जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है वो कहाँ पे ऐड हुआ है, वो ऑटोसोम में ऐड हुआ है. एक्स्ट्रा जो एडिशन हुआ है वो ऑटोसोम में ऐड हुआ है, तो टर्नर ग्लैंड फिल्टर तो नहीं आना चाहिए. और एडिशन हुआ डाउन सिंड्रोम में एडिशन होता है डिलीशन होता है, आई थिंक एडिशन होता है. डाउन सिंड्रोम देखो क्लेनफेल्टर में कंडीशन होती है एक्स एक्स वाई कंडीशन, टर्नर में कंडीशन होती है एक्स ओ कंडीशन. ठीक है हाँ टर्नर में वही बताया मैंने आपको, यहाँ पे मोनोसोमी कंडीशन रहेगी बट ये आपके सेक्स क्रोमोसोम पे रहेगा एंड दिस इज ट्राइजोमी. आई थिंक इसका आंसर डाउन सिंड्रोम होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका आंसर डाउन सिंड्रोम होगा बट एक बार मैं चेक करके बताती हूँ. ओके चलो नेक्स्ट ट्राई करो वो हम चेक कर लेंगे.
क्या आएगा इसका आंसर? द हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू टेस्ट इट इज यूज टू टेस्ट व्हाट? वेदर द एवोल्यूशन इज ऑकरिंग एट अ पॉपुलेशन लेवल. यहाँ पे हम पी एंड क्यू चेक करते हैं ना. हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन में क्या बोला गया है? अलील फ्रीक्वेंसीज एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज रिमेन कॉन्स्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन एब्सेंस ऑफ एनी एवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस. उन्होंने कहा है कि कोई भी यहाँ पे एवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए. देयर शुड बी नो इन्फ्लुएंस, मतलब कि उन्होंने कुछ हमको अजम्पशंस दिए थे, अगर ये अजम्पशंस फॉलो होते हैं तो ही ये सारी बातें सही रहेगी, है ना. सो ऑप्शन नंबर वन हियर इज द करेक्ट आंसर. बाकी की बातें तो नहीं है टू डिटरमाइन जीनोटाइप, इसमें तो हम लोग फिर क्रॉस करके चेक करते हैं. इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बात करते हैं, वी टॉक एट द पॉपुलेशन लेवल. ओके एंड यस बच्चों, इसका आंसर डाउन सिंड्रोम होगा. इसका आंसर डाउन सिंड्रोम होगा बिकॉज डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमिक कंडीशन आए. 21st क्रोमोसोम मुझे याद है, 21st क्रोमोसोम में मुझे ये डाउट था 21st में डिलीशन होता है कि एडिशन होता है. ठीक है, तो मैम भी चीजें भूल सकती है, माफ करना मुझे. तो 21st क्रोमोसोम जो रहता है बच्चों, यहाँ पे ट्राइसोमिक कंडीशन आएगी. और आपको क्या बोला गया है? 21 है बट एक्स एक्स कंडीशन है, मतलब कि एक्स क्रोमोसोम पे कुछ नहीं हुआ है, एक्स क्रोमोसोम पे कुछ नहीं हुआ. इसका मतलब, इसलिए मैंने बोला कि क्लैनफेल्टर टर्नर तो कंफर्म नहीं हो सकता हमारा. और एडवर्ड में 18 क्रोमोसोम वाला रहता है, डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम वाला रहता है. ट्राइसोमी कंडीशन इज डाउन सिंड्रोम. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर टू इसका सही जवाब. चलो ये बताओ, ये बताओ, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द फाइलम एकिनोडर्माटा इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम विच हेल्प्स इन. जूलॉजी के बहुत बच्चे हैं हमारे यहाँ. वाटर वास्कुलर सिस्टम का हेल्प क्या होता है? थ्री पक्का? एकिनोडर्माटा प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन व्हाट? लोकोमोशन, कैप्चर करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन या फिर सिर्फ रेस्पिरेशन. वाटर वास्कुलर सिस्टम जो रहता है बच्चों, ये वो यूज करते हैं फॉर दी ब्रीदिंग पर्पज. सो इट इज यूज फॉर दी रेस्पिरेशन पर्पज, करते हैं फॉर ब्रीदिंग इन. ये बताओ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पूछा गया है. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पूछा गया है स्टेटमेंट. बड़ा क्वेश्चन है, रीड इट केयरफुली. ग्रेट, यू गाइस आर गिविंग द एक्सप्लेनेशन एज वेल. देख रही, चलो थोड़ा जल्दी करते हैं बेटा, बहुत क्वेश्चंस करने हैं. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, वन इज लेबल्ड एज रीजन.
Restriction enzymes recognizes its particular recognition sequence and cut the single strand DNA or double strand DNA to produce cohesive and blunt fragments. तो हाँ सही बात है. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, तो भाई एक अपने खुद के रिकॉग्निशन जगह पे कट लगाते हैं. सबके अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं एंड उन साइट्स पर जाके ही वो कट लगाते हैं. ठीक है, उसके बाद में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स विथ एडिनोसिन बेस रिकॉग्निशन विल कट ऑन एवरेज एवरी 256 बेस पेयर्स इफ ऑल दी फोर न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन इक्वल प्रपोर्शन. तो यस स्टूडेंट, स्टेटमेंट तो सही है बट इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग. तो ऑप्शन नंबर टू हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा. ओके ठीक है, आई गेट बैक टू दोज क्वेश्चन. इसको ट्राई करो, इसको सॉल्व करो. Key effects of the genetic drift are. Key effects of the genetic drift are. Genetic drift से बच्चों इनमें से कौन कौन से effects होते हैं. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? सडन रैंडम चेंज. ड्रिफ्ट में प्रेडिक्शन नहीं दे सकते हैं कि हेल्दी एलील फिक्स होंगे या फिर लीथल एलील फिक्स होंगे. यहाँ पे कोई भी एलील कैसे भी फिक्स हो सकता है. तो यस ड्रिफ्ट इट इज सिग्निफिकेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन. अगर एक छोटा पॉपुलेशन है तो वहां पे ये इफेक्ट काफी सिग्निफिकेंट है, काफी प्रोमिनेंटली देखने को मिल सकता है. कॉज अलील फ्रीक्वेंसीज टू चेंज एट रैंडम. बिल्कुल, यहाँ पे अलील फ्रीक्वेंसीज कहीं पे भी चेंज हो सकती है. इसमें आप लोग दो इफेक्ट पढ़ते हो, एक होता है बच्चों बॉटल नेक इफेक्ट और दूसरा होता है फाउंडर इफेक्ट. बॉटल नेक इफेक्ट में होता है कि देयर इज अ कैटास्ट्रोफिज्म जिससे कुछ स्पीशीज की परमानेंटली डेथ हो जाएगी, कुछ स्पीशीज सर्वाइव करेंगे और जो सर्वाइव करते हैं वही अपना पॉपुलेशन वहां पे रख सकते हैं. बेसिकली दे विल परफॉर्म मेटिंग और उन्हीं के जीनोटाइप्स वहां पे फिक्स हो जाएंगे. एंड फाउंडर्स इफेक्ट में होता है कि सम पीपल माइग्रेट टू अ न्यू प्लेस एंड देन दे विल मेट एंड उन्हीं उनके पास जो भी अलील्स रहेंगे फिर चाहे वो रिसेसिव हो चाहे डोमिनेंट हो वही अलील वहां पे फिक्स हो जाता है. तो डेफिनेटली रैंडमली चेंज हो सकता है क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन में आपका हेल्दी अलील फिक्स होता है बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं. लीड टू अ लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन. बिल्कुल सही बात है, बिकॉज जो अलील्स गए हैं सिर्फ वही अलील्स वहां पे मेटिंग करेंगे, ओनली दोज विल सर्वाइव. बाकी सारा जो भी वेराइटी रहेगा वो वहां से एलिमिनेट हो सकता है. कॉज हार्मफुल अलील्स टू बिकम फिक्स्ड. यस, इससे बच्चों कोई भी अलील फिक्स हो सकता है, वो लीथल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है. Significant in extremely large population? No, it is significant in small population. It is not significant in the large population. ठीक है, so option number third here is the correct answer. Option number three यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है. And yes बच्चों इसका आंसर third रहेगा. आप सबने सही बताया, मेरे पास शायद इसका आंसर गलत मार्क था. तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका सही जवाब है. आई एम सो सॉरी फॉर दिस. ठीक है, ऑप्शन नंबर थ्री इसका सही जवाब है अबाउट दी एकिनोडर्माटा. ओके चलो. Now tell me this question. This is about the electron transport chain. Thank you so much everyone for correcting. Tanu, आज की क्लास बोल रहे हो क्या? देखो 61 क्वेश्चन चल रहा है, हमको 100 तक सॉल्व करने हैं. मोर 40 क्वेश्चंस. देखो एटलीस्ट 1:30 बजे तक क्लास लेंगे हम लोग. थोड़ा फास्ट करते हैं अभी.
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाया दी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एटलीस्ट 1:30 बजे तक। अगर आपका कोई सेशन है तो आप फिर लीव कर सकते हो, आप रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाया द रेस्पिरेटरी चेन क्रिएट्स अ प्रोटीन, बिकॉज वी हैव टू सॉल्व 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, टाइम लगेगा। पॉसिबल है डू अटेंड इट लाइव, ताकि आपके डाउट्स भी ही सॉल्व हो जाए, बट अगर आपका कोई सेशन है तो फिर आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। आपके कॉलेज फ्रेंड्स के साथ में लिंक शेयर करो, सबको बोलो ज्वाइन करने से, सबको कुछ कुछ बातें समझ में, कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? 1, देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाया द रेस्पिरेटरी चेन क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, इससे बच्चों प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्रिएट होता है विच ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। सही बात है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है तब प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है, जब प्रोटॉन आएंगे फ्रॉम द एटीपी सिंथेसिस तब होता है एटीपी का जनरेशन। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? पीटर मिशेल पोस्टुलेट दैट टू प्रोसेस आर कपल्ड बाय अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन सो दैट द प्रोटॉन मोटिव फोर्स कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस ड्राइव द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। आई थिंक यस, बोथ आर एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, सही बात है। अगला अगला सवाल। ओके ओके ग्रेट, ठीक है चलो। फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल कॉइल्स ड्यू टू ट्विस्टिंग फोर्सेस इज रेफर्ड टू एज डीएनए सुपर कॉइलिंग। नहीं आएगा इज रेफर्ड टू एज डीएनए सुपर कॉइलिंग। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है द एंजाइम डीएनए गायरेज ऑल्सो कॉल्ड एज टोपोआइसोमरेज 2 रिलैक्स द पॉजिटिव सुपर कॉइल डीएनए यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। क्या है? आई थिंक ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन 1 है ना, अगेन ऑप्शन नंबर 1 बच्चों, कि एडिशनल कॉइल्स ट्विस्टिंग, उसको हम सुपर कॉइलिंग बोलते हैं, क्योंकि जब हमारा हेलिकेस काम करता है, जब डीएनए हमारा अनवाइंड होता रहेगा, यहाँ पे हमारा हेलिकेस काम करेगा, तो डीएनए क्या हो जाते हैं इस तरीके से, आपस में एक सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और ये कहलाते हैं हमारे पॉजिटिव सुपर कॉइल्स। तो इनको रिमूव करने के लिए फिर आते हैं यहाँ पे टोपोआइसोमरेज, एंड वी हैव 2 टाइप्स ऑफ टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज 2 क्या करता है? डबल स्ट्रैंड ब्रेक और रीसील करता है, एज वेल एज इट यूजेस एटीपी। 1 क्या करता है? तो 1 सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक और रीसील करता है, और वो एटीपी को यूज नहीं करता है। ठीक है, देखो तनु, टोपोआइसोमरेज 1 टोपोआइसोमरेज 2 दोनों भी क्या कर सकते हैं? बोथ कैन इंट्रोड्यूस पॉजिटिव सुपर कॉइल्स, बोथ कैन इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपर कॉइल्स। वो डिफरेंशिएटिंग वाली पॉइंट नहीं है। डिफरेंशिएशन ये होता है कि अगर हम बात करते हैं 1 की और 2 की, तो 1 कैसे काम करता है? सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक एंड रीसील। 2 काम करता है डबल स्ट्रैंड ब्रेक एंड रीसील। 1 जो है इट विल नॉट यूज एटीपी, बट जो 2 रहेगा वो एटीपी को यूज करेगा। ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स है। बाकी दोनों काम करेंगे इलोंगेशन में, दोनों काम करेंगे डीएनए के इस तरफ भी काम करेंगे और इस तरफ भी काम करेंगे, आपके फोर्क के फ्रंट और बैक दोनों तरफ दोनों काम करेंगे। ठीक है चलो अगला सवाल। हाँ, टोपोआइसोमरेज 2 को हम बोलते हैं डीएनए गायरेज। नहीं अनुष्का, 1 ही आएगा और वो तुरंत करता है, वो ब्रेक करता है तुरंत, रीसील करता है। देखो, अगर हमने टोपोआइसोमरेज, बहुत बार आपने सुना होगा कि हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं जो टोपोआइसोमरेज को इनहिबिट करता है, तो वो क्या करते हैं पता है? हमारे एंटीबायोटिक्स वो जाते हैं टोपोआइसोमरेज को इनहिबिट कर देते हैं। टोपोआइसोमरेज 2 क्या करता है? बहुत बार डबल स्ट्रैंड डीएनए को ब्रेक करता है और रीसील करने के पहले उसको एंटीबायोटिक इनहिबिट कर देता है। तो जब आप लोग ये पढ़ते हो ना डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर, उसमें हम पढ़ते हैं कॉजेस ऑफ डबल स्ट्रैंड, सॉरी कॉजेस ऑफ ब्रेक ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए के ब्रेक होने के बहुत सारे कॉजेस होते हैं, जैसे कि रेडिएशंस वगैरह होते हैं, उसमें से एक कॉज होता है टोपोआइसोमरेज का इनहिबिशन। टोपोआइसोमरेज कभी कभी डबल स्ट्रैंड डीएनए को ब्रेक कर देगा पर रीसील नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ दिस एंटीबायोटिक। ठीक है, व्हाट हैपेंड देवेश, क्या हुआ? नहीं, टोपोआइसोमरेज 2 को स्पेसिफिकली डीएनए गायरेज बोला जाता है, 1 को टोपोआइसोमरेज ही बोलेंगे। 63 का 2, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन
PCR, polymerase chain reaction, is a laboratory technique for generating large quantities of specified DNA. हाँ भाई, हमको एक DNA के बहुत सारे copies बनाने हैं, तो polymerase chain reaction एक ऐसा technique है जिसको हम use करते हैं और हम लोग DNA के बहुत सारे copies इससे बना सकते हैं. The essential requirements of PCR are, PCR के लिए हम लोगों को किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या क्या पड़ता है? अ टारगेट डीएनए, ऑफ कोर्स डीएनए चाहिए होगा बिकॉज दिस डीएनए विल वर्क एज अ टेम्पलेट, ये चाहिए होगा फॉर द टेम्पलेट, सो यस वी डेफिनेटली नीड ए. उसके बाद में एक सेकेंड, एसेंशियल पॉलीमरेज एंड लाइगेज एंजाइम्स, बिल्कुल ये भी तो लगेंगे. पॉलीमरेज लगेगा फॉर द इलोंगेशन पार्ट, पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड फॉर द इलोंगेशन एंड लाइगेज इज रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग, बिकॉज जब हमारा प्राइमर रिमूवल होगा, जब प्राइमर को हटाया जाएगा तो भाई वहां पे फिल करने के लिए हमको लगेगा. तो टैक पॉलीमरेज, क्या डीएनए पॉलीमरेज नहीं है, उसको हम बोलते हैं टैक डीएनए पॉलीमरेज. देखो एनी एंजाइम विच विल कॉज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए, वो आपका डीएनए पॉलीमरेज ही कहलाएगा, वो हमारा डीएनए पॉलीमरेज ही कहलाएगा. बट एक सेकेंड, क्या आप लाइगेज को यूज करोगे यहाँ पे? ओके, क्या आप यहाँ पे लाइगेज को यूज करोगे? टू प्राइमर्स एंड डीएनए पॉलीमरेज, यस इसको तो हम यूज करेंगे. तो ए वी आर यूजिंग, सी ऑल्सो वी आर यूजिंग फोर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, यस हमको डी एन टी पी की भी जरूरत पड़ती है, बट हम लोग लाइगेज को आज सच में यूज नहीं करते हैं. आपने कभी पढ़ा है पीसीआर में कि आपने लाइगेज को भी ऐड किया होगा? लाइगेज को हम यूज नहीं करते हैं. थैंक यू, थैंक यू शैलजा फॉर योर काइंड वर्ड्स. ओके, हाउ वाज योर एग्जाम डियर, हाउ वाज योर एग्जाम? ठीक है, सो लाइगेज नहीं आएगा बच्चों, तो हम लोग प्राइमर यूज करेंगे, प्राइमर अनिल होगा, पॉलीमरेज आके फिल करवाएगा, बट वी विल नॉट यूज दी लाइगेज एंजाइम. सो बी नहीं आना चाहिए आपके ऑप्शन में, ए सी एंड डी आर दी करेक्ट स्टेटमेंट. नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन हम यूज करते हैं ब्लॉटिंग में, तो हम पीसीआर में यूज नहीं करते हैं इसको, हम लोग ब्लॉटिंग में यूज करते हैं फॉर एस्टिमेशन ऑफ डीएनए आरएनए और प्रोटीन. चलो ये बताओ, मैं इसको हटा देती हूँ ताकि यू कैन सी ऑल द ऑप्शंस. वाज ऑसम, ग्रेट. चलिए इसका आंसर दो. वन, ओके, सम आर सेइंग वन, सम आर सेइंग टू. ऑप्शन नंबर टू बता रहे हैं बच्चे. चलो तो हम देखते हैं वन क्यों गलत है. आप बोल रहे वन नहीं है मैम, टू है. डी बता रहे, डी गलत है ना. डी में क्या दिया है? क्रॉसिंग ओवर डज नॉट प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट, तो क्या फायदा क्रॉसिंग ओवर का? जब क्रॉसिंग ओवर बनते हैं बच्चों, तब हमारे पैरेंटल नहीं बनते, उस टाइम पे हमारे रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं. जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है उस टाइम पे पैरेंटल स्ट्रैंड चेंज होता है, उस टाइम पे रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं. तो डज नॉट प्रोड्यूस वाली बात तो गलत है. तो यस डी मेरा आंसर नहीं हो सकता. देवा आंसर तो बहुत जल्दी मिल गया. क्रॉसिंग ओवर्स ऑकर
क्रॉसिंग ओवर इवेंट ऑकर्स ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ मियोसिस, यस मियोसिस का प्रोफेज जब चलता है जिसमें आपके फेजेस चलते हैं ना, लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन, डाइकाइनेसिस. क्रॉसिंग ओवर कैन चेंज द कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स अलोंग अ क्रोमोसोम एंड प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग. बस सही है, जब क्रॉसिंग ओवर होता है अगर हमारे पास में ये दो स्ट्रैंड्स है इस तरीके से, तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा तब क्या होगा, हाफ पार्ट ऑफ वन जीन हो सकता है दूसरे पार्ट एक जीन के साथ में क्रॉस ओवर करके जीन्स में रिकॉम्बिनेंट्स बनते ही बनते हैं. तो यस, टू तो हमारा, सॉरी, ए हमारा सही है, बी भी हमारा सही है. टी एच मॉर्गन प्रपोज्ड दैट नॉन पैरेंटल ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग ओवर. ठीक है. क्रॉसिंग ओवर इवन ड्यूरिंग मियोसिस टू, नहीं मियोसिस टू में नहीं होता है बच्चों, मियोसिस वन में देखा जाता है. तो यस, ऑप्शन नंबर टू हियर इज द करेक्ट आंसर. नाउ दे हैव गिवन यू सम स्टेटमेंट्स अबाउट द आरएनए इंटरफेरेंस. आई जस्ट गो अवे. आरएनए इंटरफेरेंस जहां पे हम एमआईआरएनए एसआईआरएनए को यूज करते हैं, आपको पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट्स सही है अबाउट द आरएनए इंटरफेरेंस. कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट द आरएनए इंटरफेरेंस. क्या बोला गया है, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. नहीं भाई, एमआईआरएनए एसआईआरएनए तो भाई हमारे पास होते हैं. आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए. ये सही बात है ना, एमआरएनए में जाके बाइंड हो जाता है हमारा ये डबल, हमारा ये आरएनए इंटरफेरेंस में हम लोग यूज करते हैं बच्चों एमआईआरएनए यूज किया जाता है, यहाँ पे एसआईआरएनए यूज किया जाता है, और ये जाके आरएनए को बाइंड हो जाते हैं. कहाँ बाइंड होते हैं जाके, तो ये स्प्लाइसिंग साइट को जाके बाइंड हो जाते हैं बच्चों. अगर स्प्लाइसिंग साइट को जाके बाइंड हो गए तो क्या हो जाएगा, इंट्रॉन स्प्लाइसिंग नहीं हो पाएगी. अगर इंट्रॉन स्प्लाइस नहीं हो पाएंगे तो मैच्योर आरएनए नहीं बनेगा. मैच्योर आरएनए नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली बच्चों हमारा फाइनल जो प्रोटीन प्रोडक्शन है वो सारा नहीं हो पाएगा. उसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, दे कैन गो एंड बाइंड टू दी राइबोसोमल बाइंडिंग साइट. ये जाकर राइबोसोम बाइंडिंग साइट को जाके इंटरैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइबोसोम बाइंड नहीं हो पाएगा. इफ राइबोसोम कैन नॉट बाइंड मतलब हमारा प्रोटीन प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा, अल्टीमेटली द जीन इज नॉट एक्सप्रेस. देखो जीन रेगुलेशन हम लोग डीएनए के लेवल पे भी करते हैं, तब हम यूज करते हैं बहुत सारे रिप्रेसर्स को, बट अगर हमको करवाना है जीन रेगुलेशन एट दी आरएनए लेवल, तो आरएनए लेवल पे कैसे करवाया जाता है, बाय यूजिंग दीस एसआईआरएनए एंड एमआईआरएनए. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. थर्ड में क्या बोला है, आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए टू कॉम्प्लीमेंट्री. नहीं नहीं, बाकी पढ़ना ही नहीं है हमको, पहले हम लोग टू को मार्क कर लेते हैं. ओके चलो थोड़ा फास्ट करते हैं सेशन. सिट्रोनेला ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये ऑयल हमको कहां से मिलता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इफ यू नो यू नो, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन. और अभी सिंह थ्री, यस इसका आंसर थर्ड ही है. ये बताओ, टू एनवेलप स्पाइक्स इन द इन्फ्लुएंजा वायरस एच ए और एन ए, इनका मतलब क्या होता है, एच ए और एन ए नाम से भी समझ में आ ही रहे हैं. एच ए एंड एन ए दैट इज हिम अग्लुटिनिन यूरामिनिडेज ना,
इन्फ्लुएंजा वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन बोलते हैं ना, H1N1 स्ट्रेन है, H2N2 स्ट्रेन है, सुना आप लोगों ने? H1N1 स्ट्रेन, H1N1, H2N2, तो बहुत सारे स्ट्रेन है इसके, और ये अलग अलग स्ट्रेन हमको सर्दी खांसी कॉज करवाते रहते हैं, तो इन्फेक्शन कॉज करवाते हैं। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। लैम्प ब्रश सिंड्रोम वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन सैलामेंडर ऊसाइट्स बाय। आएगा इसका आंसर? वैरायटी वन बता दिया, टू बता दिया, थ्री बता दिया। तो द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 4, जो आप लोगों ने नहीं बताया, फ्लेमिंग। ओके, फ्लेमिंग बहुत सारे हैं जो फेमस है, देयर आर मेनी फ्लेमिंग। देखो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम का मतलब होता है, लैम्प्स पता होंगे आपको, हमारे घर पे लैम्प होते हैं, उसको क्लीन करने के लिए जो ब्रश होता है ना, द ब्रश विच वी यूज टू क्लीन दिस, उस शेप के होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स। देर आर सम क्रोमोसोम्स विच आर कॉल्ड एज लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम का जो शेप होता है वो लैम्प के ब्रश की तरह होता है। यू कैन सर्च इट, यू कैन सर्च इट इन द इंटरनेट, आपको इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। नो नो, दिस इज फॉर श्योर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही है, दिस इज ट्रू। ओके चलो ये भी पढ़ो, इन सैलामेंडर ऊसाइट्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन सैलामेंडर ऊसाइट्स बाय। सैलामेंडर ऊसाइट्स में पहली बार डिस्कवर किसने किया था? वॉल्टर फ्लेमिंग। चलो नेक्स्ट ट्राई करो, आई विल जस्ट गो अवे। नेक्स्ट बताओ तब तक। हाँ यस इश्ता, पॉलीटीन क्रोमोसोम। तनु आई विल एक्सप्लेन। चलो इसका आंसर बताओ। तो आइडेंटिफाई द डिफरेंट लेवल्स ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए टू क्रोमोसोम इन द सीक्वेंशियल मैनर, ना हमको पूछा गया है कि हमको इसको सीक्वेंशियल मैनर में बताना है। तो व्हाट इज हैपनिंग, पहले आपका डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, है ना, ये क्या करता है, तो ये भाई हमारे स्टोन के अराउंड रैप्ड रहता है, ये हिस्टोन होता है इस तरीके से ऑक्टामरिक स्ट्रक्चर, और इनके अराउंड में हमारे ये डीएनए जो है ये रैप्ड होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट बेसिक मोस्ट प्रिमिटिव स्ट्रक्चर इज व्हाट, मोस्ट प्रिमिटिव स्ट्रक्चर रहता है बच्चों डबल हेलिक्स डीएनए। उसके बाद में आता है हमारा न्यूक्लियोसोम मॉडल, जिसमें हमारे हिस्टोन प्लस डीएनए आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा डीएनए प्लस हिस्टोन। इसके बाद बनता है हमारा 30 नैनोमीटर का फाइबर, न्यूक्लियोसोम मॉडल, क्रोमाटोसोम मॉडल आता है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में आता है हमारा ये लूप्स अटैच हो जाता है आपका, एक स्कैफोल्ड मॉडल आता है, और स्कैफोल्ड के बाद में अल्टीमेटली आता है हमारा ये क्रोमोसोम। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ही। क्या पहले डीएनए, फिर डीएनए प्लस हिस्टोन, फिर डीएनए प्लस हिस्टोन जो है वो और ट्विस्ट हो रहे हैं और कंडेंस हो रहे हैं, एंड लास्टली हमको मिलता है हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, हाँ ओके। सी यहाँ पे फ्लेमिंग वॉज द फर्स्ट वन टू ऑब्जर्व, ठीक है, रकेल्ट ने बाद में उसको डिस्क्राइब किया है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं रकेट जो साइंटिस्ट था, रकेट वॉज द वन टू डिस्क्राइब अबाउट दिस क्रोमोसोम, बट डिस्कवरी जो थी इसकी फ्लेमिंग ने की है।
अगले सवाल का जवाब दो। अ नर्व इम्पल्स, ये बड़ा इजी है, क्यों है आप लोगों को क्वेश्चन, इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शन फॉल्ट। जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, तरीके से होता है, इज कॉल्ड एज सिनेप्स। इसको हम बोलते हैं बच्चों सिनेप्स, सिनेप्टिक जंक्शन, सिनेप्स। आई जस्ट हाइड अवे, आपको ऑप्शन नंबर 4 भी दिख ही रहा है। टू टू बोल रहे हो, फिर थ्री बोल रहे हो। ओके साक्षी, सॉरी डियर, आई डिडंट रीड योर मैसेज। विजिट दी ऐप, ऐप में जाओ, वेबसाइट पे चले जाओ, बेसिकली वेबसाइट पे जाना है। वी हैव दी वेबसाइट दैट इज ifsonline.com। वहाँ पे जाके आप CUET के सेक्शन में जाओ, CUET में जाके आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तो जो भी आपका रिक्वायर्ड है वहाँ पे वो टेस्ट सीरीज आप वहाँ से परचेज कर सकते। विजिट अवर वेबसाइट ifsonline.com और वहां जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्या होगा इसका आंसर, डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, ये करवाता है पूरे स्ट्रैंड का सिंथेसिस। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन द लीडिंग स्ट्रैंड एज वेल एज लैगिंग स्ट्रैंड। प्रोकैरियोट्स के अंदर भी डीएनए पॉलीमरेज 3 ही होता है जो दोनों फंक्शंस कैरी आउट करता है। हमारे अंदर क्या होता है बच्चों, लीडिंग स्ट्रैंड में काम आता है पॉलीमरेज एप्सिलॉन, लैगिंग स्ट्रैंड में काम आता है पॉलीमरेज डेल्टा। तो ए का टू रहेगा। उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम क्या होता है, मैंने आपको आज ही बताया था शुरुआत में, इसका काम होता है प्राइमर का रिमूवल, गैप का फिलिंग, और जब गैप फिल करता है तो प्रूफ रीड भी करता है वो। तो बी का मेरा 3 आना चाहिए, तो ए का 2 एंड बी का 3 एक ही जगह मिल रहा है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। लाइगेज क्या करता है, तो लाइगेज का काम होता है ज्वाइन करना। जब ओकाजा के फ्रेगमेंट्स में जब प्राइमर रिमूव करके गैप फिल कर दिया जाएगा तो जो लास्ट बॉन्ड रहता है उसको पॉलीमरेज नहीं बना पाता है, दैट लास्ट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई द डीएनए लाइगेज। सो सी का आ जाएगा हमारा 4। एंड यस, दस तो भाई बाइंड होता है जाके टर्मिनेशन सीक्वेंस को, एंड इट प्रिवेंट्स द एक्टिविटी ऑफ हेलिकेज ताकि हमारा रेप्लिकेशन वहीं पे स्टॉप हो सके। तो डी का 1 ऑल्सो इज द करेक्ट। टेल दिस क्या होगा, ये 72 ना, ये आपको क्वेश्चन थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी टाइप्स का लग रहा है। थोड़ा 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 सोचो ना, अवार्ड नहीं मिलेगा सही आंसर के लिए, मतलब फास्ट, सॉरी सही नहीं, फास्ट आंसर के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, फाइलोकोकस ऑरियस नेगेटिव है, पर्पल कलर्ड ग्रेप शेप, ग्रेप्स लाइक, किसको बोलते हैं हम, फाइलोकोकस ऑरियस स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब होता है चेन फॉर्म, फाइलोकोकस का मतलब होता है बंच फॉर्म। कभी आपने सुना नहीं है, आई थिंक ये तो बड़ा ही कॉमन सा होता है। फाइलोकोकस ऑरियस को हम बोलते हैं पर्पल और वायलेट ग्रेप के गुच्छों की तरह होता है। नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। ए इज डेफिनेटली अ फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ पॉजिटिव, सॉरी इट्स नॉट अ नेगेटिव बैक्टीरिया, इट इज अ पॉजिटिव बैक्टीरिया, इट इज अ पॉजिटिव बैक्टीरिया। सो यस, ए इज फॉल्स बट आर इज अ ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज सैक्रोमाइसिस न्यूरोस्पोरा जो है ये आपके एस्कोमाइटिस, सॉरी एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करते हैं। थक गए हो क्या, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, चलो फटाफट से करेंगे। You have to match. You have to match. Morphine.
क्विनीन, अश्वगंधा, रेजरपिन. क्विनीन आई थिंक आपको पता होगा ना, क्विनीन एंटी मलेरियल. याद आ रहा है कुछ मुझे तो यहाँ से? क्विनीन अच्छी से पता है, बाकी शायद मैं बेटा मुझे भी उतना क्लियरली याद ना है. भाई क्विनीन आपको मिलता है सिंचोना प्लांट से. क्विनीन आपको कहाँ से मिलेगा? सिंचोना प्लांट से मिलता है. तो आई थिंक यहाँ से आप लोग, अगर आप लकी हो तो आपको ऐसा सवाल मिल सकता है एग्जाम में. बाकी अगर आपको नहीं भी पता होगा, अश्वगंधा की अगर हम बात करते हैं, अश्वगंधा इज फ्रॉम विथेनिया. मॉर्फिन जो है पेपावर एंड रोफोलिया, सॉरी रोवोल्फिया, ये जो है यहाँ से मिलता है रेजरपिन. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को लिख के रख लिया करो, आपको काम आएगा कभी ना. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ साइटोकाइन? साइटोकाइन के एग्जांपल्स इनमें से कौन कौन से हैं? यस तनु, दिस इज द 2023 लाइफ साइंस पेपर. लाइफ साइंस का पेपर है. थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का. हमारे टी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं? टी हेल्पर सेल्स रिलीज करते हैं बच्चों साइटोकाइंस को, एंड दीज साइटोकाइंस आर यूज फॉर एक्टिवेशन ऑफ ऑल द इम्यून सेल्स. दे आर यूज फॉर एक्टिवेशन ऑफ ऑल द इम्यून सेल्स. तो टाइटिन तो भाई प्रोटीन है, नहीं होता है. इंटरफेरॉन्स, यस, जब वायरस का इन्फेक्शन होता है तब रिलीज होता है इंटरफेरॉन्स. कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, दे आर ऑल्सो रिलीज. एंड ये क्या करवाते हैं? तो ये करवाते हैं बच्चों सिंथेसिस ऑफ द ग्रैन्यूलोसाइट्स. इंटरल्यूकिंस, यस, दे आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ मेनी इम्यून सेल्स. बट फेरिटिन तो भाई स्टोरेज फॉर्म होता है आयरन का, तो ये नहीं है. साइटोकाइंस का मतलब ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के जो करवाते हैं सिंथेसिस ऑफ मोर एंड मोर इम्यून सेल. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर टू इज दी करेक्ट. ये बताओ, क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन ओके ठीक है. नो आइडिया. ओके एक काम करते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके आई शो यू द इमेज, तो आपको ना बेटर समझ. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. आइकोसाहेड्रॉन क्या है? अब बात
आप लोग ने वायरस पढ़ा है कभी? अच्छा, तो आप लोगों ने अगर वायरस पढ़ा है तो वायरस हमारे एनवेलप्ड भी होते हैं, नॉन एनवेलप्ड भी होते हैं। तो दिस इज द आइकोसाहेड्रॉन, ये शेप को बोला जाता है आइकोसाहेड्रॉन। ठीक है, समझ में आया? हम बोलते हैं ना, आप लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हो, नॉन एनवेलप्ड वायरस हम बोलते हैं ये कैप्सिड है। ये जो कैप्सिड होते हैं इसके अलग अलग शेप होते हैं, कैप्सिड के अलग अलग शेप होते हैं और इनमें अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इनको पढ़ा जाता है। दे आर स्टडीड इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। यहाँ पे 20 देखे जाते हैं ट्रायंगुलर साइज। ये देखो, ये एक है, दो है, तीन है, ये चार है, पांच है, छह है, सात है, ये आठ है, 9, 10 एंड पीछे की तरफ भी होंगे। तो इट इज हैविंग दिस 20 ट्राइंगुलर साइड्स। तो 60 नहीं होंगे यहाँ पे, यहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों 20 ट्राइंगुलर साइड्स। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसमें वर्टाइसेस की, अगर हम बात करते हैं इसमें वर्टाइसेस की, सॉरी एक सेकेंड, अगर हम बात करते हैं इसमें वर्टाइसेस की, तो वर्टाइसेस जो है यहाँ पे दिया गया है कि 20 होते हैं, बट यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ 12 रहते हैं। आपको दिख रहा है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एक 3D कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ 12 ही देखने को मिलते हैं और ये होते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ट्रायंगुलर साइड्स भी अलग है। तो अगर हम बात करते हैं वर्टाइसेस की, तो इट इज नॉट 20 एक्चुअली, यहाँ पे सिर्फ 12 वर्टाइसेस होते हैं। यहाँ पे 12 वर्टाइसेस होते हैं, 12 सिर्फ कॉर्नर्स होते हैं और यहाँ पे 30 एजेस हैं। अगर ऐसे हम लाइंस को काउंट करते चलेंगे तो 30 एजेस है, 20 साइड्स है और यहाँ पे 12 वर्टाइसेस होते हैं। दिस इज आइकोसाहेड्रॉन। ये होता है एक आइकोसाहेड्रॉन का स्ट्रक्चर। जो भी नॉन एनवेलप्ड वायरस रहते हैं उनके लिए ये जो कैप्सिड है ये होता है उनका आउटर मोस्ट लेयर। सो दिस आइकोसाहेड्रॉन जो है एक तरीके का एक शेप होता है हमारे वायरस का। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आप लोग ये काम करना, लेक्चर के बाद में सर्च करना डिफरेंट कैप्सिड्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द कैप्सिड ऑफ वायरसेस, तो आपको दो तीन वैरायटी मिल जाएंगी। उनमें काउंट कर लेना कितने ट्रायंगुलर फेसेस है, कितने वर्टाइसेस है, एजेस है, वहां से आपको सवाल मिल सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया है? द सिंपलेस्ट विरियन कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियो कैप्सिड कॉम्पोज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है, एंड प्रोटीन कोट इज कॉल्ड एज अ कैप्सिड। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है? ये बिल्कुल सही है ना। सिंपलेस्ट अगर हम विरियन की बात करें तो सिंपलेस्ट विरियन का मतलब तो नॉन एनवेलप्ड अगेन, तो स्टेटमेंट टू हमारा करेक्ट है, बट वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ही। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल, टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस रिजॉल्व द प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ। अब देखो ये सवाल, ये सीयूटी का पेपर जिसने सॉल्व किया होगा कितना अच्छा, ये 2D वाला क्वेश्चन है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। इस बार आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा दैट विल बी ऑफ 1 आवर एंड 45 मिनट, 105 मिनट का पेपर बताया गया है। पहले 2 घंटे का होता था जब आपको पार्ट सी, सॉरी मैं आपको सेक्शन ए भी होता था, इस बार सेक्शन ए हटा दिया है। आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे, 105। टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस इट विल बी ऑन दी चार्ज एंड मास, है ना, हम उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देखेंगे और उसका वेट कितना है, उस बेसिस पे सेपरेशन। ये बताओ, नेम द नोबेल अवॉर्डी हु प्रोवाइडेड द फर्स्ट एविडेंस, फर्स्ट डायरेक्ट एविडेंस दैट डिफरेंट जीन्स आर फिजिकली लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम बाय एक्स लिंक्ड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिल। किसने स्टडी किया था एक्स लिंक्ड पैटर्न को? मॉर्गन, है ना, उन्होंने आईज के बेसिस बताया था, रेड आई ड्रोसोफिला, व्हाइट आई ड्रोसोफिला, ऑन दैट बेसिस उन्होंने परफॉर्म किया था रेसिप्रोकल क्रॉस।
ही परफॉर्म्ड रेसिप्रोकल क्रॉस एंड ही शोड दैट कि अलग अलग पेरेंट अलग अलग कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. ऑटोजोम्स का होता है सेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेल एंड फीमेल साइड, बट जो सेक्स क्रोमोसोम का कंट्रीब्यूशन अलग रहेगा फ्रॉम मेल एंड फीमेल साइड. मेल कैन कंट्रीब्यूट एक्स और वाई बोथ, फीमेल एक्स क्रोमोसोम. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. देखो जो भी बच्चे जूलॉजी टारगेट करेंगे और बाकियों को भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्लीज ये देख लेना कि कौन सा हार्मोन बनता कहाँ पे है और सिक्रीट कहाँ से होता है. साइट ऑफ सिंथेसिस एंड साइट ऑफ सिक्रीशन दो चीजें अलग अलग होती है. ठीक है, बहुत हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो बनते कहीं और है, सिक्रीट कहीं और से होते हैं. व्हाट अबाउट द प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट्स? इट इज कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है, चलो. टोपोआइसोमरेज टू इंट्रोड्यूसेस, टोपोआइसोमरेज टू इंट्रोड्यूसेस. तो देखो ये कहीं के पे नेगेटिव भी करेगा, बट द मोर अप्रोप्रिएट आंसर दे हैव मार्क्ड इज नेगेटिव सुपर कॉइल्स. बट मेरे हिसाब से बच्चों टू होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका आंसर टू होना चाहिए. पर हम चेक करेंगे कि द आंसर गिवन बाय द सीयूईटी इट वाज ऑप्शन नंबर 3, बट लेट्स चेक इसको, मैं एक बार हम कंफर्म करते हैं. ठीक है, हाँ एक बार हम चेक करते हैं. ये बताओ द हॉर्मोन विच स्टिम्यूलेट्स एन एपेटाइट. आई थिंक ये सबके अंदर बहुत रिलीज होता है, मेरे अंदर तो बहुत रिलीज होता है. हर थोड़े दिन में भूख लग जाती है, हर थोड़े दिन में भूख लग जाती है. ये गलत मत करो यार, इंसुलिन से भूख नहीं लगती है. जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई रहेगा तभी इंसुलिन बनता है. दिस गेरलिन, दिस इज द एपेटाइट हॉर्मोन, दिस इज द एपेटाइट हॉर्मोन. हाँ ये बताओ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द कैल्विन साइकिल. रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली, रीड दिस क्वेश्चन. पूछा गया है कि कैल्विन साइकिल के इवेंट्स क्या होते हैं, किस स्टेप के बाद में कौन सा स्टेप परफॉर्म होता है. क्या आएगा बच्चों? विच स्टेप्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दी कैल्विन साइकिल. पीपल आर सेइंग ऑप्शन नंबर 3. जब आप बोल रहे हो कि पहले ए होता है. द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट. ठीक है, देन ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट, मतलब आप बता रहे हो कि ए बी सी डी ई पूरा इस तरीके से ही होता है. तो आई थिंक यू ऑल आर गिवन मी द सेम आंसर एंड बिल्कुल सही जवाब है ए बी सी डी ई. आपको बिल्कुल उस सीक्वेंस में यहाँ पे जाना था. अगला सवाल, जिटनोगेमी इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच. अलग अलग तरीके से होता है, सेम फ्लावर डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट और डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट. तो जिटनोगेमी क्या होता है? सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, है ना. अगर हम बात करते जिटोनोगेमी की तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग फ्लावर रहेंगे बट सेम प्लांट्स के ही अलग अलग फ्लावर्स की बात की जा रही है. ओके
ये बताओ, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम बाय केमिस्ट्री। प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में सवाल है, तो क्वेश्चन इज अबाउट प्रोटीन स्ट्रक्चर। क्या होगा इसका आंसर? क्या इन टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स आर हेल्ड इंटीरियर व्हाइल दी हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स आर ऑन द सरफेस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। यस, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। सेकंड क्या बोल रहा है? अदर देन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, आयनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वंडरवॉल फोर्सेस आल्सो कंट्रीब्यूट टू द टर्शियरी स्ट्रक्चर। यस, दिस इज आल्सो ट्रू बट दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, है ना। बोथ स्टेटमेंट्स हियर आर ट्रू बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन फॉर। तो ऑप्शन नंबर टू हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ये बताओ, विच रेडियो आइसोटोप इज यूज टू लेबल द फाइव प्राइम एंड ऑफ डीएनए और आरएनए। एक बार आंसर तो मैं समझ जाऊंगी। फाइव प्राइम एंड को लेबल करना है तो क्या करेंगे बच्चों? थ्री प्राइम एंड पे होता है ओएच, फाइव प्राइम एंड पे होता है फॉस्फेट। वी विल यूज दिस 32 फॉस्फेट। हाँ, अब आपको दिया गया है सीक्वेंस, आपको बतानी है करेक्ट सीक्वेंस इन्वॉल्व इन द डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ डीएनए। हमारे पास एक डीएनए का मिक्सचर है, हमको उसमें से पहचानना है कोई स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट्स क्या है, कितने। तो कौन से स्टेप्स हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, कौन से स्टेप्स हम यहाँ जी? ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर फोर गॉट लॉस्ट फॉर अ सेकंड। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंसेस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द डिटेक्शन। कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म किए जाएंगे, कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे परफॉर्म किए जाएंगे? वन बता रहे हैं कुछ लोग, थ्री बता रहे हैं। चलो रीड करके देखते हैं। डीएनए इज सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये तो शुरुआत की स्टेप नहीं हो सकती है। अग्रीड, डीएनए को सेपरेट करना बात की बात है, पहले हमको डीएनए को आइसोलेट तो करना पड़ेगा। माय आंसर कैन नॉट बी स्टार्ट, कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम ए। फिल्टर इज प्लेस्ड इन सील बैग, ये तो बाद में आएगा। डीएनए सैंपल्स आर कट बाय द रेस्ट्रिक्शन नैनो न्यूक्लियस एंड लोडेड इनटू जेल, ठीक है, ये शायद हो सकता है, शायद हो सकता है। फिल्टर इज वॉश्ड टू रिमूव एक्सेस प्रोब, भाई ये स्टेप भी बाद में होगी। डीएनए बाइंडिंग फिल्टर पेपर, टॉवल्स एंड वेट्स आर प्लेस्ड ऑन जेल, भाई प्लेस्ड ऑन जेल वाली बात तो तब आएगी जब लोडिंग होगी। तो माई आंसर कैन नॉट स्टार्ट विथ आइदर ए और आइदर ई, ये समझ में आया? बिना सैम्पल को लोड किए हम लोग ए से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ई से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली मेरा आंसर जो है वो वन हो जाएगा। क्या क्या बोला गया है बच्चों? डीएनए सैंपल को पहले हम कट करते हैं बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एट द रेस्ट्रिक्शन साइट्स, उसके बाद में डीएनए को हम लोग फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करेंगे बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन उसको हम लोग स्टेनिंग करेंगे जिससे हमको अलग अलग बैंड साइज देखने को मिलेगा। उसके बाद में डीएनए बाइंडिंग फिल्टर पेपर, टॉवल्स एंड वेट्स आर प्लेस्ड ऑन द जेल,
रिएक्शन से डीएनए हमारा मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो फिल्टर पेपर को हम प्लेस करेंगे कहाँ पे, इट इज फर्दर प्लेस्ड इन दी सील्ड बैग जहाँ पे हमारा ये प्रोब प्रेजेंट रहेगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे तो एक्सेस प्रोब को वॉश करेंगे एंड हम लोग डीएनए बैंड के इमेजेस को प्रोड्यूस करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 हियर इज दी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। फुल फॉर्म ऑफ माल्डी एमएस बताओ। आयुष क्या कंटेंट चाहिए? अगर आपको कोई लाइव कोर्स चाहिए है, रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए है, अपने वेबसाइट परचेज कर सकते हो। अगर आपको कोई रिवीजन सीरीज चाहिए है, तो वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। फुल फॉर्म ऑफ माल्डी एमएस क्या फुल फॉर्म है इसका? क्या आंसर आएगा बच्चों? माल्डी एमएस का फुल फॉर्म क्या है? माल्डी एमएस का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स असिस्टेड, हाँ इट इज मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डीज ऑप्शन और आयोनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। लाइट नहीं आएगा और लोकल नहीं आएगा। ए क्या लड़ रहे हो तुम लोग? तो जो इमोजी यूज करना है यूज कर। द सी एनी एनिमल्स एंड कोरल्स बिलोंग टू द फाइलम। द सी एनिमल्स एंड कोरल्स बिलोंग, इट इज सिलेंट्रा। सिलेंट्रा ना। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस डेक्सट्रिन? अगर हमको चाहिए है डेक्सट्रिन तो हम लोग उसका प्रोडक्शन कैसे करें? डेक्सट्रिन का प्रोडक्शन कैसे करें? विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस डेक्सट्रिन? द आंसर फॉर दिस इज ल्यूकोनोस्टो। ठीक है, हम ल्यूकोनोस्टो को यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डेक्सट्रिन। नेक्स्ट का आंसर तो जस्ट गिव मी। चलिए, हाय बायोटेक्नोलॉजी गर्ल, बहुत दिनों के बाद आए हो। एप्लीकेशन ऑफ द जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड। नॉट डेक्सट्रिन इज अ पॉलीमर, इट इज अ बायो पॉलीमर, लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन। नॉट डायरेक्टली लिंक विथ व्हाट? तो भाई फिंगरप्रिंटिंग हम क्यों करते हैं? सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। यस, डिटरमाइनिंग पैटर्निटी, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको हमको कोई डाउट है कि पेरेंट्स है या नहीं सच में, यूज करते हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में भी यूज किया जाएगा टू आइडेंटिफाई द रियल चाइल्ड कौन है फैमिली का, कि बेटा कौन है। बट फॉर स्पीशीज कॉन्जर्वेशन नहीं यूज करते है ना, नॉट बोला गया था। इट इज नॉट यूज डिरेक्टली फॉर द स्पीशीज कॉन्जर्वेशन। स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन होता तो सही बात है, बट कॉन्जर्वेशन में यूज नहीं करते। ठीक है, अगला सवाल। गुड आफ्टरनून आराध्या। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। बेटा लाइक इतने कम क्यों चल रहे हैं सेशन को हमारे? इतने कम लाइक चल रहे हैं, लाइक कर दो सारे सेशन। इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक आर यूज्ड टू साइज एंड क्वांटिफाई आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रेस्पेक्ट। तो हम लोग तीन तरीके के ब्लॉटिंग पढ़ते हैं। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज यूज टू स्टडी डीएनए, सॉरी सदर्न ब्लॉटिंग इज यूज टू स्टडी डीएनए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आर
आरएनए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, एस प्रोटीन, याद रख सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन ब्लॉटिंग टेक्निक मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम जेल टू द मेम्ब्रेन। यस, हम यहाँ पे यूज करते हैं नाइट्रोसेलुलोस पेपर यूज करते हैं, मेम्ब्रेन यूज करते हैं। बाय द कैपिलरी रिएक्शन एक सैंडविच बना के रखा जाता है ना, और सैंडविच बना के रख के फिर हम लोग मूवमेंट चेक करते हैं, देन वी यूज द प्रोब एंड एवरीथिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स बोथ आर ट्रू, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या हुआ तनु, क्या पूछ रहे हो? नाइट्रोसेलुलोज मेंबर्स नहीं, हाँ मेम्ब्रेन, आई थिंक आप वो लिखना चाहते थे। द फंक्शन ऑफ टीलोमियर इज, टीलोमियर जो एंड्स में प्रेजेंट रहता है क्रोमोसोम के, उनका फंक्शन क्या है पूछा। द फंक्शन ऑफ टीलोमियर इज, ना टू प्रोटेक्ट इंटैक्ट यूकैरियोटिक क्रोमोसोम फ्रॉम इम्प्रॉपर फ्यूजन और डिग्रेडेशन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रायोफाइट्स, अ क्वेश्चन फ्रॉम योर बॉटनी पार्ट। वन, इन ब्रायोफाइट्स को बताना है, तो यस स्टूडेंट्स, सैप्रोफाइट इज फुल्ली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। तो ऑप्शन नंबर 1 हियर इज द करेक्ट आंसर। द पोलर हेड ग्रुप इन स्फिंगोमाइलिन इज कंपोज्ड ऑफ, स्फिंगोमाइलिन एक स्फिंगोसिन बेस्ड लिपिड होता है, ये अबंडेंटली पाया जाता है न्यूरॉन्स में, माइलिन शीथ में अबंडेंटली इनका प्रेजेंस होता है, इट्स अ स्फिंगोसिन बेस्ड लिपिड। ग्लिसरॉल नहीं है, दिस इज नॉट अ ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड, द स्फिंगोसिन बेस। देखो लिपिड जो होते हैं हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, स्फिंगोसिन बेस्ड भी होते हैं, ग्लिसरॉल बेस्ड भी होते हैं। स्फिंगोसिन इज अ 18 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ग्लिसरॉल इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग। स्फिंगोसिन में 18 कार्बन होते हैं, ग्लिसरॉल तो नहीं आएगा, ग्लिसरॉल भी नहीं आएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही जवाब है। ओके आई जस्ट मूव अवे। हाँ इसको बताओ, ये आपका एक टिपिकल एनिमल बायोलॉजी एजियोलॉजी वाला क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द मैच लिस्ट 1 एंड 2। थ्री बता रहे हैं आंसर, नहीं ऑफ यू आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर 3, जो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, पॉरीफेरा बॉडी में पोर्स रहते हैं, चैनल्स होती है वॉल्स में। ठीक है, तो ए का हमारा 2 आ जाएगा, आई थिंक वहीं से आपको आंसर मिल जाना चाहिए। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्रिवेंट्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व। ये कॉन्सेप्ट आपको योगेश सर कभी अच्छे से समझा देंगे, मैं सर को बोल दूंगी, इसको पता है इसका आंसर दो। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, S1 पोलन ग्रेन, S2, कैन लुक एट द ऑप्शंस हियर, आई विल जस्ट क्या आएगा बच्चों। What will be the answer here? They have asked you about the self incompatibility. Yes, option number 1 हमारा यहाँ पे सही जवाब होता है। The precursor molecule for the synthesis of vitamin D in human skin. हमारे बॉडी में जो vitamin D हम बना, vitamin D को हम बोलते हैं, it is a pseudo vitamin. कौन बनाता है, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो हमारे मेम्ब्रेन में पाया जाता है कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉल,
कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, और उससे फिर फर्दर हम लोग बनाते हैं विटामिन, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर टू हियर इज द करेक्ट आंसर। व्हाट एग्जैक्टली सी, हमारे पास में जो हमारा ये लिपिड बायलेयर रहेगा इस तरीके से, इसके बीच में जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इन कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल को यूज करके हम बना सकते हैं विटामिन डी को। तो विटामिन डी को हम सुडो विटामिन बोलते हैं, बिकॉज विटामिन का मतलब होता है सम वाइटल कंपाउंड्स, सम वाइटल अमीन्स, एंड दे आर एसेंशियल। तो विटामिन हमको हमारे डाइट से ही कंज्यूम करना पड़ता है, बट ये एक ऐसा विटामिन है जिसको हमारी बॉडी भी सिंथेसाइज कर सकती है, इसलिए इसको हम सुडो विटामिन बोलते हैं। तो आपको इसका प्रीकर्सर पूछा गया था, तो कोलेस्ट्रॉल से बनेगा डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल और उससे फर्दर बनेगा हमारा विटामिन डी। ये बताओ वन, द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, सीक्रेट द हार्मोन मेलाटोनिन। क्या भाई, मेलाटोनिन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफेंस। तो यस, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मेलाटोनिन जो है बच्चों, ये हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, सर्काडियन रिदम है, उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है? मेलानिन एक अलग पिगमेंट होता है, मेलानिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन पिगमेंटेशन, जो कलर आएगा वो मेलानिन की वजह से होता है। मेलाटोनिन जो है ये अलग होता है, जो स्मॉल बेबीज होते हैं, स्मॉल चाइल्ड, उनके अंदर मेलाटोनिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है। देखते हो ना, छोटे बच्चे बहुत जल्दी सो जाते हैं, तो हर 2 घंटे में सोएंगे उठेंगे सोएंगे उठेंगे, वो सिचुएशन है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसका लेवल जो बॉडी में कम कम होते जाते हैं। जो ओल्ड पीपल होते हैं, दादी दादाजी हमारे, नींद कम आती है, बिकॉज दे हैव दिस लेवल इज वेरी। तुम लड़ाई करोगे ना, देख लो फिर, यूज कर जितने इमोजीज यूज करना यूज करो। चलिए इसका आंसर दो, ये बहुत इजी है। अगेन यस, बोथ आर ट्रू। हाँ बस देखो आंसर सही बता, बाकी तुमको जो इमोजीज यूज करना यूज करो। तो यू हैव बिन गिवन दी एंजाइम्स, एंड ये सारे एंजाइम्स हमारे ग्लाइकोलिसिस पाथवे के हैं, ये एंजाइम्स हमारे ग्लाइकोलिसिस पाथवे के हैं। आपको यहाँ से बताना है किस एंजाइम का, लाइक कौन सा एंजाइम कौन से स्टेप में काम आता है, विच एंजाइम इज यूज इन विच स्टेप हियर। ऑप्शन गलत है, गुड जॉब। क्या आएगा बच्चों, हेक्सोकाइनेज क्या करता है, कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ए का मेरा आना चाहिए 3, ठीक है? बाकी बाकी हिंदी नहीं बाबा, सीवीटी नहीं हो। फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट को कन्वर्ट करना इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डीएचपी काम करेगा एल्डोलेस, तो सी का आना चाहिए 2, सी का आना चाहिए 2। बाकी बताओ मुझे बी का क्या आएगा और डी का क्या आएगा, पाइरुवेट काइनेज क्या करेगा एंड इनोलेस क्या करेगा, पाइरुवेट काइनेज क्या करेगा और इनोलेस क्या कर देगा, 2-फॉस्फोग्लिसरेट 2-फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। बी का क्या आएगा, ए का 3 मैंने बता दिया है, सी का 2 मैंने बता दिया है, तो बताओ बी का क्या आएगा और डी का क्या आएगा। बी का क्या आएगा और डी का क्या आएगा, 4 आएगा बोल रहे हो आप लोग, क्या आएगा ना, आपको पूछा है पाइरुवेट काइनेज क्या करेगा, पाइरुवेट काइनेज क्या करेगा
का, यस बी का आएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट टू पाइरुवेट, तो ये आ जाएगा आपका 4। और डी का आ जाएगा हमारा नॉलेज विल कन्वर्ट टू फॉस्फोग्लिसरेट टू फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अब या तो हमारे एंड से कोई टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है या फिर आपके एग्जाम में गलत ऑप्शन दिया हो सकता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके ये हमारा सही जवाब, तो ट्राई करूं। दिस इज अबाउट स्किड सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशियंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशियंसी। इट इज अ कंडीशन, इट इज अ कंडीशन। स्किड में देखा जाता है कि पर्सन के बॉडी में बहुत बार बी सेल्स टी सेल्स दोनों नहीं बन पाते हैं। ओके तो एक एक पर्सन थे, चाइल्ड था बहुत पहले, उनको स्किड था एंड नासा ने उनके लिए एक किट बनाया था। ओके जैसे आपने देखा ना कोविड पेशेंट जो थे वो पूरा पीपी किट पहनते थे, तो उनके लिए भी एक किट बनाया था जिसमें बबल, एक बबल की तरह था वो, जिसके अंदर में पूरा स्टराइल कंडीशंस मेंटेन किया जाता था। तो दैट बॉय वॉज कॉल्ड एज आई थिंक अ बबल बॉय समथिंग बोला जाता था। ठीक है बबल बॉय, एक अब सर्च करना तो आपको पता चलेगा स्किड कंडीशन। तो यस जीन थेरेपी इज अ थेरेप्यूटिक टेक्निक दैट एम्स टू ट्रांसफर द नॉर्मल जीन्स इन टू अ पेशेंट। यस यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल जीन्स को हम लोग पेशेंट को देते हैं और इससे हम लोग सक्सेसफुली रिस्टोर कर सकते हैं केसेस ऑफ स्किड को। तो यस बोथ वन एंड टू आर करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ देखो सौरभ एडिनोसिन डीएमआईनेज, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक मैंने सेशन लिया था, आप सर्च कर सकते हो इम्यूनोलॉजिकल डिसीजेस इन द सीएसआईआर चैनल नेवर आईएफएस लाइफ साइंस, वहाँ पे मैंने एक लेक्चर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग ने सब डिस्कस किया था कि स्किड होने के तीन चार रीजंस होते हैं। वन ऑफ द रीजन इज दिस एडिनोसिन डीएमआईनेज नॉट वर्क, देर आर मेनी अदर रीजन। लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे, लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे, राइट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर कंपाउंड इन सिट्रिक एसिड साइकिल। आपको बताना है कि टीसीए साइकिल में कौन कौन से कंपाउंड्स किस सीक्वेंस में फॉर्म होते हैं। शांति वन है, थ्री है, क्या है, क्या होता है? तो एसिटाइल कोएंजाइम ए आता है, देखो पहले तो बनता है पाइरुवेट ग्लाइकोलाइसिस में, पाइरुवेट एंटर करेगा फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, पाइरुवेट का होगा फिर डीकार्बोक्सिलेशन, उससे बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम विच इज अ टू कार्बन कंटेनिंग। इसके साथ में ऐड होता है बच्चों ऑक्सालो एसिटेट और बनेगा हमारा सिक्स कार्बन कंपाउंड कॉल्ड एज साइट्रेट, है ना। बनेगा साइट्रेट, आइसोसाइट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, फिर क्या बनेगा, फिर बनता है हमारा सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट, फिर बनता है हमारा फ्यूमरेट, मैलेट एंड देन वी विल हैव दी ऑक्सालो एसिटिक। तो ऑप्शन नंबर वन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। टुडे वी हैव डिस्कस्ड द होल पेपर ऑफ सीयूईटी लाइफ साइंसेस। अगर मैं मेरी तरफ से आपको इस पेपर का एनालिसिस दूँ, मुझे लगता है कि यहाँ से अग्रीड, ठीक है, 6 to 8 क्वेश्चंस जो थे वो काफ़ी स्पेसिफिक थे, आपको नहीं आते आप स्किप कर सकते हो। ठीक है जैसे कुछ क्वेश्चंस जो थे वो बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे, एकदम आपको स्पीशीज लेवल पे पूछा गया था, नहीं आता आप स्किप कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि यहाँ से 75 क्वेश्चंस में से अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक 65 क्वेश्चंस तो डूएबल थे, कम से कम 65 क्वेश्चंस जो थे वो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते थे। कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे, एक दो क्वेश्चन गलत भी थे, वो भी हम लोग ने डिस्कस किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। ओके मोस्ट वेलकम एवरीवन, वेलकम। ठीक है तनु वी विल सी, आपको स्केड्यूल दिख जाएगा चैनल के ऊपर क्योंकि कौन से लेक्चर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट राइट नाउ। तो बाकी की बातें हम लोग, ठीक है, सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ओके बाबा, चलो ठीक है, टू टुमारो और प्रोबेबली इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट एंड पढ़ते रहो। सीवीटी का एग्जाम, आईआईटी जाम का एग्जाम आप लोगों का काफी अच्छा गया है,
तो जितना कंटेंट आपको करवाया जा रहा है उसको जैसे रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। यहाँ पे आपको एमएसक्यूज और एनईटी नहीं है, तो एमसीक्यूज की जितनी प्रैक्टिस हो सकती है करो, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बिकॉज आई थिंक आप लोगों को प्रॉब्लम मैक्सिमम वहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी एवरीवन। टिल द टेक केयर, बाय बाय, ग्रेट डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑल सून, हैप्पी लर्निंग टू।